यो बिग अनाउंसमेंट, दोस्तकास्ट इज नाउ स्पॉन्सर्ड बाय स्ले कॉफी। दोस्तों हमने कर दिखाया, अब हमारा पूरा का पूरा वोट सिर्फ और सिर्फ इस स्ले कॉफी को जाता है, कोई और कॉफी को हम बिल्कुल अपना वोट नहीं देंगे। जो लोग मुझे डीएम करते हैं, ब्रो यार मैं कौन सी कॉफी लूँ, आप बहुत बड़े कॉफी नर्ड लगते हो, कॉफी कॉन्सर लगते हो, सीधा जाओ जोमैटो स्विगी पे और स्ले कॉफी ऑर्डर करो, नो क्वेश्चन आस्क्ड। कई सारे पॉडकास्ट पे गेस्ट आए हुए थे, किसी ने बोला ब्रो मेरे को हॉट वाली चाहिए, किसी ने बोला मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, सबके लिए ऑर्डर कर दी 300-400 रुपए के अंदर, सबका काम हो गया। इट वॉज ग्रेट कॉफी ब्रो, मैं सही बता रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये इंडिया के कॉफी कल्चर की, यहाँ पे ज्यादातर लोग FMCG कॉफी पीते हैं जिसके अंदर बीन्स भी इम्प्योर होते हैं, वो एसिडिटी भी देती है पेट के अंदर और आपको जिटरी भी बनाती है। इस कॉफी के अंदर क्लीन प्योर एनर्जी है क्योंकि इसके जो बीन्स है वो चिकमगलूर से सोर्स्ड है, ठीक है। दैट्स अ रियली गुड हब ऑफ गुड क्वालिटी बीन्स। मैं ये 3-4 पी लेता हूँ, आई एम जस्ट फाइन, मे बी बिकॉज आई हैव अ कैफीन हैबिट, बट इफ यू हैव अ कैफीन हैबिट लुक नो फर्दर देन स्ले कॉफी। कुछ भी नहीं करना ब्रो, इतने बढ़िया से पैकेज के अंदर आएगी। मैं अमन करके साथ बैठा हुआ था उसके ऑफिस में, कह रहा ब्रो तेरे को कॉफी पिलाता हूँ, मैंने कहा भाई मेरे को कॉफी मशीन की घटिया कॉफी मत पिलाइए। कह रहा रुक तो ब्रो, जोमैटो पर जाके अगला ऑर्डर करता है, ऑर्डर करके आती है बढ़िया से चमचमाते पैकेज में, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी अपनी, ट्रिपल प्रोटेक्टिव पैकेजिंग, ऑल द वर्क्स राइट, बढ़िया से अमेरिकन स्टाइल में कंप्यूटर वाला जो कप होता ना, या न्यूयॉर्क के अंदर हूँ मैं हासिल कर रहा हूँ, गाड़ी के अंदर रखा है, मेट्रो में रखा है, इस तरह का कूल कप आता है, पोर्टेबल है क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल कॉफ़ी आती है ब्रो। लाइक मैं बता रहा हूँ, शाम के 5 बज रहे थे, सर्दियों का समय था लेकिन हमारी कॉफ़ी गर्म थी। अभी जाओ जोमैटो स्विगी पे अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो और जाके आज या कल का ऑर्डर तो डाल ही दो, थोड़ी सी कॉफ़ी ले लो, कैसी लगी अगले पॉडकास्ट में उनको बता देना, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे स्पॉन्सर का सामान 100% आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम भी ले रहे हैं। आई एम जस्ट किडिंग, बट सीरियसली गिव्स ले कॉफी अ शॉट। विद दैट सेड, नाउ ट्यून इन टू द दोस्तकास्ट विद फेमस म्यूजिशियंस फ्रॉम दिल्ली नोन एज तीसरी दुनिया। लेट्स गो, तीसरी दुनिया इन द हाउस ब्रोस। व्हाट इज अप? हेलो भाई राघव, करुण, उद्भव, हेलो ब्रो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि तुम लोग बहुत दूर से, बहुत दूर के इलाके से आए, स्पेशली आज यहाँ फरीदाबाद में पॉडकास्ट करने के लिए। आज इट इज द फर्स्ट ऑफ मेनी वेयर आई एम गेटिंग दिस मेनी गेस्ट्स ऑन द पॉडकास्ट। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे रैपर्स का, म्यूजिशियंस का बहुत जेट सेटिंग लाइफस्टाइल होता है, सुबह 4 बजे तक पार्टी करेंगे फिर उसके बाद जाके आ जाएंगे, बट यू गाइस वर अप अर्ली लाइक 8:30, आई सॉ योर स्नैप्स एंड यू गाइस आर हियर एट लाइक 11:30। क्या आर यू गाइस ऑलवेज लाइक अर्ली राइजर्स? नो, मैं 5 बजे सोया था सुबह और मैं 2 घंटे सो के आया हूँ, सो प्लीज पार्डन मी इफ आई से समथिंग स्टूपिड। कोई सीन नहीं। मेरे हिसाब से हम उठ जाते हैं जब हमें जाना होता है, मतलब ऐसा काम पे डिपेंड करता है कैसा काम है क्या है। तो आज फुल डे इन फरीदाबाद है ना, आफ्टर दिस पॉडकास्ट यू गो एंड रिकॉर्ड विद कीर। यस, ऑल ऑफ यू और जस्ट यू? शायद ये नहीं जा रहे हैं, मुझे आई थिंक ओनली करण। अच्छा, ओके, स्वीट स्वीट। फर्स्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ पीपल आर फैंस ऑफ तीसरी दुनिया, बहुत सारे लोग DHH कम्युनिटी के अंदर, व्हिच आई थिंक स्टैंड्स फॉर देसी हिप हॉप, मेंशन योर नेम्स ऑफन, बहुत सारी चीजें हैं, रेड बुल हैज रिटन अ बंच ऑफ आर्टिकल्स। I was hanging out with you guys a bunch. What I really want to ask is, bro, I think all of you are lovers. I see so much of love songs in all of you, especially you and you. Matlab, are there like women in your life for you who are your muses? Kya scene hai? I think I'll let Karun take this one first. Acha, to mera aisa hai ki there is one permanent muse, I'll say, right, in my life, jiski wajah se mujhe confidence mila likhne ka. इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब ऐसा था कि मैं लिखता था बहुत टाइम से, मुझे कुछ 11-12 साल हो गए लिखते हैं, बचपन से मैं लिख ही रहा हूँ मतलब। हाँ। तो ऐसे टाइम टू टाइम एक्सपीरियंसेस आए, फिर एक लड़की थी जिस वजह से मैंने सोचा कि आई हैव टू राइट समथिंग अबाउट दिस, देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड नकली अबाउट हर। फिर मैं उद्भव से मिला, फिर गाने बनने शुरू हुए, फिर धीरे धीरे उस लड़की ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया जो दूसरी लड़की, उसका नाम वृंदा है। हाँ। तो हम सब दोस्त थे, हम सब साथ ही थे जब ये सब बिल्ड हो रहा था कि हम सब बना रहे, तो शी गेव मी दैट कॉन्फिडेंस, और फिर चलते चलते उसके साथ के एक्सपीरियंसेस, राइट, फिर बीच में और इधर उधर के कुछ एक्सपीरियंसेस, नॉट रोमांटिकली बट वैसे। तो आई गेस ज़्यादा रोमांस उसी से रहा है, मतलब वही वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो हुए हैं मेरे साथ। तो हाँ, मतलब हूँ, मतलब हाँ, मज़ेदार आशिक वाली फील आई। ओके ब्रो, आई वाज टोल्ड यू रोट पोएम्स इन स्कूल। Yeah, I used to, I still do. मतलब मेरे साथ ऐसा हो चुका था एक टाइम पे कि मैं 4 लाइन से ज़्यादा लिख नहीं पाता था, मतलब मेरा वो खत्म हो जाता था कि बस मैंने शायरी कर ली, एक शेर बोल दिया, हो गया बस, ठीक है। Right. मैंने फेसबुक पे एक फेस चला था मेरा, मैं ऐसे नंबर लिखता था नीचे, हैशटैग नंबर 1, 2, 3, तो वो 60-70 तक चले थे। अमिताभ बच्चन भी अपनी ट्वीट्स पे ये करता है। So I used to do that for like the shares I used to write. तो वो भी अभी भी मेरे इसमें, मतलब मेरे फ़ोन में आएगा कुछ 2015 से जितने मैंने लिखे हैं, सब कुछ पढ़ा है, ऐसे पूरा स्लाइड हो जाता है नोट्स, बहुत कुछ है।
तो हाँ पोएम्स लिखता था मैं. एंड व्हाट अबाउट यू उद्भव, यू रोट पोएम्स? नो नो कुछ नहीं. मेरे को नहीं पता था यार कि, पता नहीं मेरे को तो अभी भी लगता है मैं नहीं लिख सकता. थोड़ा अंदर आ जा यार कैमरा के. हाँ बस ठीक है. हाँ हाँ स्वीट बताना भैया. क्या चीज़? हाँ कि ब्रो लाइक पोएम्स का तेरा क्या सीन था? नहीं कोई सीन नहीं था. यू नेवर रोट? नो नो. तो हाउ डिड यू लाइक स्टार्ट टू यू नो राइट सॉन्ग्स? बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज एंड आई डोंट नो, थोड़ा परेशान था मैं इसलिए. So you just started expressing that through music. I figured out like where I am, and it helped me like that writing. I see. Tumhari equation has been the same since school, right? Main ko school se Udbhav ko bilkul mera last jab year tha tab maine usko thoda jana tha last ek do saal mein. Juniors ko senior seriously lete nahi hai to fir wo kaisa scene kaise banata? Ek saal chote hai unse zyada chote bhi nahi hai to matlab ha isse meri koi baat nahi school mein. Fir ye dono friends the saath mein school ke, ye school ke bahut matlab pehle se classes mein the bhi saath mein, fir inki dosti se fir meri isse dosti hui, fir iske hum log mile the Brits pilani mein. काली चुन्नी थी. मेरा एक दोस्त था वो नुक्कड़ नाटक करता था. उन दिनों खास कुछ सिस्टम चल रहा था तो किसी स्पेसिफिक पार्टी के बंदे ने उसको देखा काला कुर्ता पहना हुआ था, उसको कूट दिया. But I'm glad that didn't happen to you guys. मेरा orange था, मैं बच गया. क्या पता वैसे. But like in terms of like performance bro, like school के अंदर क्या सब लोग यहाँ पे debates, music या किसी तरह का performance कर रहे थे या नहीं? नहीं मैं filmmaking. अच्छा you were a filmmaker. मैंने theater करा थोड़ा सा school में, थोड़ी सी song वगैरह गाना वाना गा लेता था जो ऐसे बहुत सारे 50 बच्चों में खड़े होते थे ना annual में, वो गा लेता था. पर मैं आगे वाले choir वाले मैं आगे होता था क्योंकि मेरी आवाज सही थी ना तो माइक के पास होता था. पर हाँ मतलब यार वो बड़ा गंदा सा मोमेंट होता ना कि जब तुम देखते हो. मैंने अपने स्कूल में देखा है जैसे चार माइक लगे हुए हैं, बच्चे हैं 16, तो जो अच्छी आवाज वाले उनको माइक का बिल्कुल ये वाला हिस्सा मिलता है, बाकी सबको सिर्फ यूं ही कि हम बिना माइक के गा रहे हैं. चार स्केल संभाल लेंगे उनको गवाता हूं. नहीं लेकिन फिर जब करुण का फेयरवेल हो रहा था तो हमने बैंड परफॉर्मेंस करी थी. इन्होंने हमारे लिए परफॉर्मेंस दी. अच्छा ये ट्रिब्यूट बाजी चली है. नहीं नहीं जूनियर सीनियर्स को मैं जानता भी नहीं था. मतलब मेरे को पता था स्कूल में, मुझे ये नहीं पता था कि मतलब ये दोस्त हैं और म्यूजिक बनना है ऐसा कुछ है. इससे भी बहुत बाद में बात हुई. इसने मेरे को सिखाया, सच बताऊं तो मेरे को इसने सिखाया कि कैसे तू अपनी पोएट्री को गाने में कन्वर्ट कर सकता है. सॉन्ग राइटिंग कह लो सिखाया. अरे कुछ भी बोल. अरे चल कुछ भी बोलने वाली क्या बात है यार. मतलब मैं पोइट्री करता था यार. आप मेरी बुक्स वगैरह कुछ उठा लो पुरानी, मैं लिखा है जो मैंने हाथ से. मैंने पेंसिल से लिखना, बंद कर दिया बहुत साल हो गए. बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है उसे. बट एज अ राइटर आई थिंक कि लिखना चाहिए आप सबको. आपको एक अलग आदत होनी चाहिए कि आप कॉपी में लिख रहे हो. वो जो एक होता ना कि आपको बैक स्पेस करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो समझ रहे हो रिवर्स करके ऐसे. वो जो ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट ही आता है वो बाय डिफॉल्ट. हाँ पर वो जो कटिंग की फील होती है ना, तो आपको पता होता है कि आपने कितने कट्स करे हैं. तो मेरे को लगता है मुझे दिखता था वो. तो ओवर दीज ईयर्स 5-6 साल जब मुझे हो गए लिखते हुए, बचपन से ही चाहे वो मेरा छोटा स्कूल का वो था, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई मेरी गलतियाँ कम ज़रूर हुई हैं क्योंकि मैंने करनी छोड़ दी मेरी गलतियाँ. क्योंकि वो पता नहीं सबकॉन्शियस माइंड में था क्या था, ज़्यादा रेड मार्क्स देख लोगे तो आप फिर नहीं करोगे वो. राइट आई थिंक राइट मतलब आप और डिलिबरेटली करोगे. मैंने देखा मैं फ़ोन के नोट्स के अंदर अब ज़्यादातर अपनी पोएम्स लिखता हूँ जो लिखता हूँ, और उसके अंदर एक एफर्ट होता है क्योंकि जब आप साथ साथ लिख रहे होते हो, आप इसलिए भी लिख रहे होते हो कि इसको ब्रॉडकास्ट करना है, तो the backspace allows for तुरंत साथ के साथ एडिटिंग. बिल्कुल. बट जो ये वाली प्रोसेस है इसके अंदर बड़ी कम्बरसम प्रोसेस होती है. पहले एक बार तुम लिखोगे, पसंद नहीं आएगा पेज फाड़ोगे, फिर दोबारा ट्राई करोगे, राइट अगेन एंड अगेन एंड अगेन करते. मतलब हाँ मैंने ऐसा कभी करा नहीं कि वो क्रम्पल्ड वाली ना मैं कभी रिलेट नहीं कर पाया. वो जो मूवीज में होता था ना ऐसे फेंक फेंक के इधर उधर से पूरे डस्टबिन भरे हुए हैं ऐसे सर राइटर सिगरेट पी रहा टाइप राइटर के ऊपर. मैं कभी ये रिलेट नहीं कर पाया इस बात से कि सर पकड़ा हुआ ऐसे क्रम्पल्ड वो फेंके हुए हैं. मेरे को लगा भाई लिख दिया, तेरे वर्ड्स थे, तेरी फीलिंग्स थी, तूने उतार दिया, दर्द खत्म हो गया, तो फेंक क्यों रहा है उसको, ये क्या कर रहा है तू. मतलब तू तो फिर कुछ और करना चाह रहा है शायद, पता नहीं. मतलब मेरे को समझ नहीं आता था क्या हो रहा है क्योंकि मैंने तो एक बार ही में लिख दिया. मैं सैटिस्फाइड था. ऐसा नहीं कि वो अच्छा लगेगा या 100 लोग उससे रिलेट करेंगे या वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है. वो मेरा है, जो भी है वो मेरा है. मैंने जो लिखा हुआ है राइट. आई थिंक हम तीनों इसी बात के लिए बहुत वो हैं कि हम अपना सच लिख देते हैं जो हम लिखते हैं. मेरे को नहीं लगता कि और कुछ हम ऐसा बनावटी लिखते होंगे. हमारे साथ हुआ होगा जो हम लिखते हैं और वो फील कर पाते होंगे लोग शायद ऐसी बातों में. राइट. छोटी मोटी बातें होंगी ऐसी जो आप डेली लाइफ में सुन पाते हो. इसका जगह है आजकल काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर घूम रहा हूँ. भाई कितनी रिलेटेबल लाइन में सड़क पर घूम रहा है इंसान, क्योंकि वो होता है.
तो मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। हाँ, तुम्हारे तुम लोगों ने क्या गाना बजाया था इनके बैच के लिए ट्रिब्यूट करने के लिए? एक वो था These are the nights that never die. Yeah. ये स्कूल के अंदर ऐसा कल्चर होता है, एक दो इंग्लिश गाने पकड़ लेते हैं जो थोड़े थोड़े बैच को समझ में आते हैं। ब्रोकन ड्रीम्स हम तो तब एविड अवीची कंज्यूमर, तो दैट इज व्हाई वी एंड वी रियली लाइक दैट सॉन्ग नाइट्स। आई रिमेम्बर लाइक वी यूज्ड टू जैम ऑन इट एंड सो लाइक कि यार ये गाना काफी अच्छा है और यू नो इट ऑल्सो होल्ड्स दैट मीनिंग फॉर अ फेयरवेल थीम। एक वो था मेरी लॉन्ड्री का। ओह अच्छा, तुम लोगों ने सच बताना, तुम लोगों ने नोट्स यूज करे थे, प्रॉपर कॉर्ड्स बनाई थी? नहीं नहीं, ऑब्वियसली कॉर्ड्स बनाई थी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ वीकेंड के लिए गिटारिस्ट बन जाते हैं। ये लीड गिटारिस्ट था, विभव बेस बजा रहा था, ड्रम्स भी थे। आई डोंट थिंक, नहीं मैं लीड गिटारिस्ट नहीं था, आई वाज रिदम। तो लीड क्या होता है? लीड स्लैश स्लैश। अच्छा, फिर ईशान था, ईशान आई थिंक। हाँ, ईशान के पास ईजी था। I had my lead guitarist तो यार फिर उन जमाने के अंदर आइबनेस वाले गिटार बड़े चलते थे, आइबनेस का। ब्रो मैंने गिटार खरीदा है, कोर्ट का खरीदा है, और कौन से होते थे, स्क्वायर, स्ट्रैट, फेंडर, स्ट्रैट। I have a Fender right now. अच्छा, a Fender Squier, Telecaster। अच्छा, आर यू ऑल प्रोफेशनल म्यूजिशियंस? क्योंकि लाइक आई नो, क्योंकि तुम दोनों प्रोड्यूस करते हो और तू लिखता है और गाता है, और ये दोनों तुम दोनों ही वो करते हो, बट लाइक आर यू म्यूजिकली ट्रेन्ड? नो नो नो, नन ऑफ यू, सब सेल्फ टॉट फ्रॉम द इंटरनेट, जस्ट जैमिंग ऑन योर ओन। मतलब तो अर्ली डेज ऑफ तीसरी दुनिया आर जस्ट जैमिंग आउट इन इन बेडरूम्स, ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या साउंड है, कैसे यूजिंग मशीन्स और ऑन लैपटॉप और लाइक व्हाट वर यू यूजिंग? कंप्यूटर, FL स्टूडियो। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सिंथ बस। अच्छा, आई थिंक सिंथ भी नहीं था मेरे लिए तो, बट नो हैंडल इंस्ट्रूमेंट्स। नो नो, आई थिंक लाइक मैं गिटार बजाता था, बट लाइक आई नेवर यूज्ड टू यूज इट इन माय प्रोडक्शन। आई थिंक जब हमारे में प्रोडक्शन में तब शुरू हुआ जब तूर्जो आया हमारी लाइफ में। तूर्जो एक, यू डन अ कपल ऑफ सॉन्ग्स विद देम, बहुत विद हिम, बहुत कपल, तो शायद मेरे भी कपल से ज्यादा होंगे, मतलब एक के भी कपल से बहुत ज्यादा होंगे। तो मतलब ऐसे कि तूर्जो जब आया तो एक नया, मैं कहूंगा मतलब ऐसा हुआ कि वो गिटार बजाने लगा। तो वो गिटार ऐसे, अभी दो तीन दिन पुरानी बात है, मैं अपनी मम्मी को बता रहा था, मेरी मम्मी को नहीं पता था, मेरी मम्मी को लगा था हम कंप्यूटर से प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं सारा। तो मम्मी को हमारे में और किसी में फ़र्क नहीं लगता था, मैंने बताया असली में इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। अभी इसकी एल्बम आ रही है तो मैंने कहा उसमें उसने हमारे स्कूल के बच्चे से घटम बजवाया, सच में बजवाया है उसने, वो बजाया, रिकॉर्ड हुआ है, वो मम्मी कहती है राइट। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि जो छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट नए आनी चीज़ें, तो तूर्जो आया तब गिटार आया, फिर इसने जब प्रोड्यूस करना और भी इसने जब आगे बढ़ा तो इसने अपने गिटार का पोर्शन डालना शुरू करा। इसके बहुत गानों में इसके गिटार से जो इसने खुद बजाया, इसने खुद लीड बजाया उसका, तो मतलब वो प्रोडक्शन हमारी थोड़ी बढ़ने लगी। फिर और लोग जो सैम्पलिंग करने लगे, सैम्पलिंग भी खुद बजा के करने लगे कि अपने गिटार को बजा के उसको सैम्पल कर रहे हैं, ऐसे भी प्रोड्यूसर से हमने काफ़ी काम करा। तो आई गेस वो धीरे 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 बढ़ता गया। स्टार्टिंग हुई कंप्यूटर की प्रोडक्शन से, इन्होंने FL पे प्रोड्यूस करा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स उसमें भी। अब मैंने ओवर द ईयर्स इतना ज़रूर सीख लिया कि क्या क्या ज़रूरी है एक बीट बनाने के लिए, क्या क्या होता है। तो मतलब आई गेस कि इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वो तब हुआ था जब तूर्जो आया था, जितना मैं जानता हूँ हमारी उसमें, हमारे जो एक तीसरी दुनिया की आप म्यूज़िक की बात करोगे अगर। आई थिंक इन जनरल एक MIDI कीबोर्ड से काम हो जाता है, बिकॉज लाइक देर आर अ लॉट ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, ड्रम मशीन्स होती हैं, बंच ऑफ अदर स्टफ, लाइक यू गॉट सैक्सोफोन, यू गॉट कीबोर्ड्स, सिंथ्स, एवरीथिंग कुछ भी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। बट वुड यू एवर वांट टू लाइक डू लाइक लाइव स्टफ विद लाइक एक्चुअल लाइक जो रियल म्यूजिशियंस होते हैं? और फिर उसको कोक स्टूडियो पे भी एकदम, वो एक है कि हाँ जरूर लाइव परफॉर्म करना। Yeah. और गाना प्रेफर करूंगा रैप से ज्यादा गाना, क्योंकि आई गेस उसमें ज्यादा फील आएगी। या टॉकिंग अबाउट रैप ब्रो, लाइक अब जैसे बहुत सारे, मैं एक देयर इज अ फ्रेंड माइन नकाब 47, ठीक है, इज आल्सो पॉपुलर इन द सीन, तो वो तो बहुत एक्सटेंसिवली 90s रॉक का फैन है, वो सारी उसके राइम बुक्स वगैरह पढ़ी रहती है, राइट। बट देन आई सी अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉट रैपर्स, आर यू गाइस वन ऑफ दोस लाइक बस धीरे धीरे रैप करना शुरू कर दिया, या उसके अंदर रैपर्स लाइक रैप इज इन टॉट इन यूनिवर्सिटीज? नो नो, आई डोंट मीन लाइक दैट, बट लाइक जैसे एक होता है ना कि मैं आई एम गोना लिसन टू ऑल द रैपर्स, मैं मिक करना शुरू करूंगा, मैं फिर स्पिट वाले इवेंट्स के अंदर जाऊंगा, मैं साइफर करूंगा, वो सब वो सब। आई डोंट थिंक कि हम वैसे वाले रैपर्स हैं, आई थिंक वी आर जस्ट रैपर्स जो कि हम बोलते हैं, इट्स लाइक नॉट रियली यू नो कि ओ कि मैं टूपाक का फैन, सॉरी फॉर सेइंग दिस, आई एम सॉरी, यू आर टूपाक फैन, आई मीन इट्स, ही इज नाइस मैन, आई हैव नथिंग अगेंस्ट टूपाक, बट लाइक किलुमिनारी,
मतलब कि ऐसा सीन नहीं है कि ओ हमको लाइक साइफर्स पे जाके स्पिट करना है और यू नो कि दैट विल ब्रिंग अस जॉय. हां इतना मतलब एक्सट्रीम लिरिकल इट्स जस्ट अ मीडियम नहीं था. हां इट्स जस्ट एन आर्टिस्टिक मीडियम टू एक्सप्रेस व्हाट इज गोइंग ऑन. मेरे साथ ऐसा था कि मैं सुनता था मैंने बहुत से 56 से सुन रहा हूं तो सुनने लगा तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ कि मैंने उस टाइप का म्यूजिक बहुत सुना. पर ऐसा था कि मैं साथ-साथ स्कूटी चलाता था उस टाइम पे तो अगर ईयरफोन पे मैं एमिनम सुन रहा हूं तो फिर मैं पंजाबी गाने में सुन रहा हूं. हाँ. क्या चल रहा है उस टाइम पे जो वेबसाइट्स होती थी एक songs.pk songs.pk ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स थी तो उस टाइम पे चलता था. बट मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट विल से इट्स एक्चुअली पाकिस्तानी वेबसाइट वी डोंट नो फॉर श्योर पीके का क्या मतलब है. बट ऐसा लोग कहते थे कि मतलब तुम जिसको सुन रहे हो तुम उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते हो एंड देन यू ट्राई टू कॉपी हिम प्रोबेबली ऐसा होता है. बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने इतना उस दर्जे पे सुन लिया कि मैंने उसको ऐसे अपना ऐसे पेडेस्टल पे रख दिया मैंने कि वो मेरा भगवान है. तो मैं उसको कभी कॉपी करने का ट्राई भी नहीं करा. मैंने कभी फ्लो भी नहीं ट्राई मैं कर ही नहीं सकता मेरे बस की नहीं है. मैं कहाँ से कर लूँगा. मैं अपने आप को अभी भी रैपर नहीं बोलता क्योंकि मैं पोएट था मैं लिखता था मैं अभी भी लिखता हूँ. तो बस मेरा जरिया है कि मेरी आवाज़ है मैं कैसे बोल रहा हूँ उसको. मेरे तरीका कि मैं गा रहा हूँ मैं रैप कर रहा हूँ मेरा जो मन कर रहा है मैं कर रहा हूँ. अब तुमने उसको ऐसे स्टीरियोटाइप बोलूँगा ऐसे कैटेगराइज कर दिया कि अगर कोई बंदा बोल रहा है अगर कोई बंदा फास्ट रिदम में बोल रहा है बट वो गा नहीं रहा सुर नहीं लगा रहा तो वो रैप है. जरूरी नहीं है कि वो रैप है वो कुछ भी हो सकता है. तो फिर अगर वो लेगा तो उसको कन्वर्ट कर दोगे उसको फिर तुम. रैप की फुल फॉर्म होती है रिदम एंड पोएट्री. रियली आई हैड नो आइडिया. Hashtag music fact, bro. Yeah, yeah. That's so, crazy. But that is rap. मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर तुमने उसको ऐसे बता दिया कि वो है तो वो वही है. मतलब I guess it has a broader meaning. I don't know. मतलब बहुत तरीके का rap होता है. सब कुछ rap. There's flow and there's content. So what you're speaking about, I think Eminem के पास दोनों चीजें हैं. Because he came from such a dark background and so he had a lot of you know that anger and frustration. भाई वो तो है ही. मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा. मैं तो वैसे बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं rap करता हूँ. मतलब मैं उसको गाने के थ्रू भी निकाल सकता हूँ. ऐसा जरूरी नहीं है. It's just a form you express yourself. एक अच्छी टर्म जो हमने यूज करते हैं दूसरे के लिए वो म्यूजिशियन है कि हम एक म्यूजिशियन है. सिंपल बात है या आर्टिस्ट बोल लो बस सीधी बात है क्योंकि इन दी एंड तो हम गाने बना रहे हैं. Eminem से मेरे को बहुत फनी बात याद आई. हमारा यहाँ पे एक किस सेक्टर एक जगह है एक मार्केट है तो वहाँ ना एक ऐसे हुक्का पार्लर हो रहा था. पहले बात कर रहे थे कैसे हुक्के के अड्डे होते थे वहाँ पे लोग पूल वूल खेलते थे तो हुक्का पार्लर होता था. उन दिनों में फरीदाबाद के अंदर ये चलन हुआ था कि जैसे हनी चिली पोटैटो मिल रहा है फर्स्ट टाइम या वो चिकन 65 मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात थी हम जैसे लोगों के लिए कि हमारे को ये इंडियन चाइनीज खाने का मौका मिल रहा है. तो किसी का बर्थडे था वहाँ पे ऐसी जगह पे. उन्होंने क्या कर रखा था उन्होंने एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा रखा था बिल्कुल एक दीवार के ऊपर और हमारे को सबसे बेस्ट एरिया मिला हुआ था फरीदाबाद के हिसाब से एकदम ऐसे कोने में. सब हुक्का वक्का पी रहे हैं छोटे छोटे लड़के ये पार्टी वार्टी कर रहे हैं. इवेंचुअली लाइक द फीमेल क्लाइंट स्टार्टेड वॉकिंग आउट बिकॉज जो वहाँ के मैनेजर थे उन्होंने डिसाइड करा कि बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम पे Eminem का सुपरमैन का म्यूजिक वीडियो चला. सुपरमैन का म्यूजिक वीडियो चले. अब यहाँ दारू तो है नहीं हुक्का है ठीक है लड़के कह रहे हैं हम टीनेजर्स हैं हमें जीना है वो देख देख के उसे ब्रो लाइक देयर गेटिंग सम आइडियाज यू नो. सो वो बहुत जल्दी डिवॉल्व टू समथिंग. बट आई लव दैट सॉन्ग इवन दो इट साउंड्स लाइक इट्स रॉन्ग. ब्रो देयर इज लाइक यू नो द सॉन्ग फैक. नहीं आई हैवंट हर्ड इट. फैक सुना ही नहीं वो गाना है क्या मतलब क्या बोल रहा है तो फिर वो ना बनाए रील क्योंकि क्या कह रहे हैं वो काफी एक्सप्लिसिट है. बता देता हूँ भाई वो कह रहा है शवर जर्बल इन माय एस ऐसे करके कुछ कह रहा थ्रू एस ट्यूब. हाँ मतलब वो ऐसी जर्बल इज अ माउस. एनल का स्टूडेंट है वो. क्या बोलता है यार मतलब कोई सिर पैर नहीं होता कभी कभार उसकी बातों का. राइट बट उसके ऊपर मेरे को कोई है भी नहीं मेरे लिए तो ठीक है अच्छा मस्त है वो सही है सब कुछ वो खुद ही है ना क्योंकि असलियत है वो उसकी अपनी वो सब कुछ उसके साथ हुआ हुआ है. तो ये बात शायद मैं इन्फ्लुएंस हूँ कि मैं सच जो लिखता हूँ वो मेरे को मैं मानूंगा हाँ कि मैं उससे इन्फ्लुएंस हूँ कि वो जो बातें करता है वो उसकी अपनी होती है और वो ऐसे कुछ बनावटी नहीं बोलता कि मैंने हम गाड़ी में क्रूज करके जा रहा था ऐसे वो नहीं बोलता. बातें आई वांट टू आस्क यू गाइस अबाउट राणा गोशन लिफाफा. ठीक है क्योंकि लिफाफा के साथ मैंने एक पहले पॉडकास्ट करा था सूर्यकांत और उसकी वाइफ के साथ. तो इसने मेरे को फोन में बताया कि वी हैव हिम एज अ म्यूचुअल फ्रेंड. हाउ डू यू गाइस मीट हिम एंड देन आई नो राणा घोष. मेरे को सिर्फ ये पता राणा घोष के बारे में कि ही रन्स रिप्रोड्यूस आर्टिस्ट ही इज वन हाफ ऑफ इट. द अदर हाफ इज मनोज कप्पल वो भी पॉड पे आया था मेरे मिले थे उनसे. हाँ तो ये क्या सीन हाउ डू यू नो दिस गाइस. We don't know Lifafa man. He's our friend, but like we are but not really a friend. But we are not friend, but not yet. Probably he recently started following us. Acha, so that was a big. Yeah. Really, it was. It was a very big thing. मतलब वो एक अच्छे
म्यूजिशियन है, बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड म्यूजिशियन है और हमें बहुत पसंद है, अगर वो हमें फॉलो कर दें तो मतलब फक या सच में। बट व्हाट अबाउट राणा, ही इज अ बिग सॉर्ट ऑफ ऐसा वो सीन के अंदर एक ऐसा बंदा ना हु इज अ कनेक्टर ऑफ सॉर्ट्स। उद्भव पहले बताएगा फिर मैं थोड़ा सा बताता हूं कि मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि उद्भव को सबसे पहले पता चला था। ठीक है, आई वुड से लाइक आई कंसीडर हिम आवर गॉडफादर इन द Indian music scene. Really? Yeah. Yeah. Definitely. Yeah, you can say that. Definitely. Like he found us through SoundCloud in 2018, I think. When we started. Damn. We started in 17 December. Like 2017 में December में इनका दो गाने आए थे 27 December को. उसके बाद से start हुआ, फिर March में मेरा पहला गाना आया था 18 में 2018 में. First March था ये सो हाँ. तो तब से फिर उसके बाद से हाँ. फिर उन्होंने बुलाया, एक reproduce event हो रहा था छतरपुर में, उसके लिए बुलाया। फिर तब ये बाहर था राघव, फिर मैं और करुण गए वहाँ पे, हमने प्ले करा एक सेट 40 मिनट का। फिर धीरे धीरे फिर हम उनसे मिले, फिर हमने हैंग आउट करना स्टार्ट करा। व्हेन यू टॉक अबाउट अ सेट, बिकॉज यू हैव ट्रैक्स ना, इट्स नॉट लाइक तुम डीप हाउस बजा रहे हो, हाउ डू यू डू दैट? नथिंग, जस्ट दीज आर द सॉन्ग्स आई वांट टू प्ले। अच्छा, दैट्स इट। या सो यू, व्हाट डिड यू ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स? नथिंग मैन, लैपटॉप, लाइक जस्ट लैपटॉप पे इंस्ट्रूमेंट चलाए और माइक पे गाया साथ में। I'm fascinated by production, bro. Like, मतलब मेहनत ही नहीं लगती। मैं ऐसा कुछ नहीं। ओहो। नहीं। Attack हो गया। नहीं। ये तो attack है। When I say मेहनत नहीं लगती, I say I mean like in terms of carrying stuff. अच्छा। You know, क्योंकि मैंने मैं जब कॉलेज में था, मैं कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को देखता था, वो इतने भोपू बड़े-बड़े से लेके जा रहे होते थे, लाइक द चेलोज ये सब चीज़ें। I was like, it is मतलब तो इतना सब कुछ लेके जा रहे हो एक कॉन्सर्ट करने के लिए, इसमें बेयरली लोग नहीं आएंगे, एज अपोज टू जस्ट ब्रिंगिंग अ लैपटॉप, राइट? इट्स मोर पोर्टेबल। कभी कभार हमारे साथ होता है कि हमें स्पीकर्स वगैरह लेके जाना पड़ता है खुद से। हाँ, बहुत जगह हम लेके गए हैं ऐसे। अच्छा। हमारा पहला एफटीसी का जो गिग था, वो एफटीसी का भी पहला गिग। दिस इज दिस थिंग कॉल्ड फॉर द कल्चर, राइट? दचन मालवीय नगर। तो फिर लाइक आई गॉट टू नो अंबर थ्रू प्रखर, प्रखर इज माय फ्रेंड, तो फिर उसके थ्रू बात हुई, तो हमने एक गिग वहाँ पे वो करा, जो ग्रंथ मेरी एल्बम रिलीज हुई थी। हाँ, यू आर लिसनिंग पार्टी फॉर इट, राइट? लिसनिंग सेशन सॉर्ट ऑफ अरेंज करा वो। तो वहाँ पे ऐसा था कि हमें फर्स्ट टाइम था, उनका भी पहला गिग था, एंड दे वर जस्ट स्टार्टिंग। अब तो बहुत गिग्स होते हैं वहाँ पे, एंड दैट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू डू अ गिग, राइट? तो वहाँ पे मतलब माहौल भी बड़ा बढ़िया होता है। तो फिर हम फर्स्ट टाइम अपने दोस्त से स्पीकर लेकर गए थे, तो सोनी के बड़े बड़े ऐसे जो अपने कमर तक आते हैं, इतने बड़े बड़े स्पीकर उठा के लेके गए, और अपना इंटरफेस वगैरह, लैपटॉप, माइक लेके गए थे हम। माइक, व्हाट इंटरफेस डू यू यूज? इनके पास है ऑडियंट, मेरे पास रोड है। अच्छा, तो अलग अलग है। फिर हमारे अपने अपने माइक है, पहले मेरे पास माइक नहीं था, मैंने लास्ट ईयर माइक लिया, उससे पहले दो साल से इसके माइक पे करता था मैं। ब्रो, काफी सारे गाने फोन पे भी बनाए हैं, लाइक फोन के माइक पे, लैपटॉप के माइक पे भी बनाया है। दैट्स अ फकिंग हसल ब्रो। वही तो मैं, आप कह रहे थे तारे, मैं कह रहा हूँ आप हमारे वहाँ के। नहीं, आई कैन अप्रिशिएट इट। मैंने पहले अपने 6-7 एपिसोड्स फोन पे रिकॉर्ड करे थे एंकर के थ्रू, वो करना पड़ता है। मतलब आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स अबाउट यू गाइस, व्हिच आई वांट टू लाइक, मैं मुंह पे बिल्कुल तारीफ करना चाहता हूँ इस चीज की, इज दैट You guys have an insane production output, ठीक है? जैसे some people बहुत सोचते हैं कि और एक साल हो गया है, एक गाना नहीं निकाला है, as like you know, you guys just go back at it again and again and again. What is it तुम्हारे अंदर, why do you not have that filter where तुम इतना ज़्यादा सोच, you just put stuff out? है, बता, filter है, बहुत ज़बरदस्त filter है। तो you would release more tracks अगर वो मैं तो होता? For sure, मैं तो for sure। ये है वो इंसान जिसके filter की मैं बात कर रहा हूँ। कैसे खुद? What are you filtering for exactly? Not really sure. I think perfectionism or like you know, industrial standard, I don't know. Yeah, maine PPTV pe dekha tha, you mentioned something about like jab tum track ko master karte ho, you master it for commercial sound. What do you mean by that exactly? Like there's like this loudness level of a song, right? So like generally it's like ki the louder the song is, the better a listener is like more engaged to it. Iske baad this part will also get leveled, so I follow that. So you know, loudness basically, that is what I meant by industrial standard, and also mix. So it's like, you know, everything is kind of like meshed together. Like agar aap AR Rahman ka koi gana sun lo, koi bhi utha ke, it's professionally mixed, right? Correct. Aapko aisa nahi lagega koi cheez aise ajeeb aa gayi, right? Kahan se aa gayi? Abstract hai, experimental hai. Abstract bhi nahi, I'm saying there's a soundscape, right? And it like it immerses you, right? Samajh rahe ho? So it's like that is also an art in itself. Correct. Instead of composing only, to you know, place everything spatially and have everything glued together, right? Sounding, immersing the audience. Yo, one thing I noticed, man, because I'm a big fan of 60s, 70s rock. Ek cheez wo kafi baar karte the, like the sound would travel from the left speaker
टू द राइट स्पीकर यू नो बिकॉज यू नो साइकेडेलिक रॉक है इस तरह से तो वो दिखाएंगे कि वाह तुम ट्रिप विप करो एक्सेट्रा बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग ऑफन इनफैक्ट नाउ ऐसी कि ज़्यादातर प्रोडक्शन जो आती है इज़ वेरी मिनिमल वेरी लाइक क्रिस्प टू द ईयर्स व्हाई हैज़ दैट प्रोडक्शन टेक्निक डाइड डाउन यू नो आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज पहले एवरीथिंग यूज़ टू बी इन मोनो Now it, okay. now we have stereo. Right. So in mono, what they used to do is they had three channels: center, left, and right. So they didn't have middle channels. Right. So it's like if you want to pan a hi-hat, then you're gonna pan it extreme to the left. Okay. There is no middle. Right. Right. So now we have this middle ground also. Mm. So I think it's more it's like a spectrum now, whereas pehle it was like three channels. Right. How was your first gig, bro? सही था मतलब एक फनी इंसिडेंट हुआ था तो ऐसा था कि गिग पे ना उद्धव का नाम था तो मैं इसके साथ गया था कि हम परफॉर्म करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं किसका नाम था मस्त था तो एक हमारी फ्रेंड है रक्षा तो शी वाज ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन म्यूजिकल डायरीज उस दिन शी वाज कवरिंग द इवेंट सो शी केम टू अस एंड उसने पता नहीं क्यों एज्यूम करा कि हम दोनों उद्धव हैं भाई उसको लग रहा था प्रोजेक्ट का नाम है तो हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब पहली बार मैंने माइक पे ऐसे बोला साउंड चेक हुआ ऐसे बड़ा ही अजीब सा माहौल हो गया था वहाँ पर मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि ऐसे लोग जब आवाज सुनते हैं ना तो बड़ा वो हो जाता है अब तो मेरे को क्लब हाउस पे भी बड़ा वियर्ड सा लगता है कि लोग आएंगे बोलेंगे ओ आ गया हाँ बोलेगा भाई कुछ बोल के दिखाना भाई भाई ऐसे बोलना भाई मतलब तंग कर दिया यार मेरी बहुत तरीके की आवाज़ है तुम सारी निकलवा लोगे क्या ई स्पोर्ट्स का जो बंदा ई स्पोर्ट्स बोलता है उसका तो जॉब ले मैं भी बोल सकता हूँ ऐसे बोल के दिखाता हूँ ई ए स्पोर्ट्स इट्स इन द गेम अब मैं एग्जैक्टली नहीं बोल पाऊंगा बट मैं बिल्कुल भारी भी कर सकता हूँ आवाज़ बट द पॉइंट इज़ कि बहुत तरीके की आवाज़ें होती हैं यार तुम ऐसे जान ले लोगे पाँचों के व्यूज़ का वीडियो तो बन जाएगा इस चीज़ पे 100% आराम से बना मतलब अगर मैं चाहूँ तो ऐसे मैं 50 आवाज़ें निकाल के अलग जरूर कर सकता हूँ बट नहीं ठीक है खुश हूँ टेल मी अबाउट दिस ब्रो सो फ्रॉम द बेडरूम जहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वेयर द थ्री ऑफ यू आर जैमिंग एंड तीसरी दुनिया इज़ द मॉनिकर अंडर विच यू ऑपरेट बट सम अपने अपने गाने भी निकालते हो राइट माई थिंग इज जब तुम लोगों ने वेन यू डिड दैट थिंग यू नो तीसरी दुनिया एंड फ्रेंड्स वेरी गॉट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स एंड यू कैट एक टेरेस था क्या था राइट आई नो अर्पित वगैरह भी गए थे काफ़ी सारे लोग गए थे स्विचिंग ओवर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग अब मेरे जितने भी अल्फाज हैं या मेरी वल्नरेबिलिटी है या जो भी कुछ है वल्नरेबिलिटी वो सब मेरे दोस्त वगैरह सुनेंगे हाउ इज़ दैट लाइक स्विचिंग ओवर फ्रॉम दोस्त सुन रहे हैं टू लाइक एक्चुअली पूरी एक लाइव ऑडियंस सुन रही है आई थिंक आफ्टर अ व्हाइल इट जस्ट बिकम्स नॉर्मल या यू स्टॉप बट पीपल माउथिंग द सेम वर्ड्स द लिरिक्स पता थे उससे अच्छी फीलिंग शायद लाइव म्यूजिक में मुझे नहीं लगता होगी कि लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे लिरिक्स तुमसे पहले गा रहे हैं मतलब हुकाने वाले और लोग गा रहे हैं पहले और लोगों को पता है कि क्या आने वाला है और ऐसा म्यूजिक बंद करता है ना डीजे ऐसे खेलता है उनके साथ ऐसे बंद कर दिया वो जो होता है हम पहुँच गए तो हाँ मतलब But like, would you want to do like, up to khair COVID वगैरह आ गया है, but like, do you think you would like develop your live act more? Definitely. We tried doing that पिछले कुछ महीनों में, and कट गया थोड़ा सा हमारा वो, अगर वो ना कटता भी ये जो wave आई है जो नहीं आई होती, तो हमने दो तीन gigs और कर दी होते, इसकी album की launch party करनी थी, जो अभी album आनी है इसकी, party क्या बोलेंगे, उसको session बोलेंगे basically, right, right. तो listening session करना था वो भी नहीं अब मेरे को लग रहा है, इसने ऐसे ही launch करनी है अब तो ऐसे ही है मतलब रुक गया वरना हम कर लेते दो तीन और करते और पॉलिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि हम लाइव अच्छे से कर पाएं भाई करते रहते हैं यार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बिकॉज आई थिंक नाउ वी हैव दैट फैन बेस कि हम 50-60 लोगों को बुला पाएं हर महीने में दो बार प्रोबेबली लोग आना चाहेंगे वो नहीं right. तो दूसरे 50 तो ऐसे 100-150 लोग तो होंगे जो हमारे नहीं तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको देखने आना चाहें तभी तीसरी दुनिया फ्रेंड्स है क्योंकि हम चाहते हैं इट्स नॉट लाइक कि हम अकेले जाएं हम अकेले परफॉर्म करें हमारे जो दोस्त हैं इट्स लाइक अ लाइनअप इट्स मोर लाइक अ लाइनअप सब हों साथ में वी कैन डेफिनेटली डू समथिंग हियर इफ यू गाइस वुड लाइक अगर लोग फरीदाबाद में आएंगे ना वाओ बिकॉज़ आई वाज टेलिंग रिशु यार हम कुछ ऐसा सीन कर सकते हैं वेयर वी कैन गेट यू नो बाला बप्पा स्क्वाड यू गाइस एंड अ कपल ऑफ अदर्स एंड डू समथिंग हियर उनके लिए तो कहीं पे भी आ जाएंगे ना लोग ऐसे उधर से लाइनअप बट दैट्स क्रेजी नो दोस गाइस मतलब देवर कमेडियंस एंड दे स्क्विश्ड ओवर टू रैप एंड दे मेड दिस पैरोडी रैप सॉन्ग इट ब्लू द फक आउट मतलब फकिंग गुड बहुत अच्छा क्रेजी मैं जब भी सुन रहा होता मेरे को हंसी आती है मेरे को अर्पित की आवाज आती है मन में कि भाई मैंने आयरोनिकली बनाया मतलब मैं उस इंस्टाग्राम की दुनिया से इतना वो हो गया हूँ परिचित की मेरे को हर चीज ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक जोक डाल रहा है ये सच नहीं है ऐसे पोर्ट्रेट मोड में आएगा बस रियल दिखेगा नहीं यार टेस्ट में बेस्ट
मम्मी बस खत्म जो नहीं बाला बहुत टैलेंटेड है, जो लोग उसको पर्सनली जानते होंगे ना वो बहुत मतलब ऐसा समझते होंगे कि भाई ये बंदे को सब कुछ आता है और ये कर सकता है एंड ही इज गुड एट व्हाट ही डज, इट्स नॉट लाइक ये बस कर रहा है फॉर द सेक ऑफ इट, राइट, ही डज इट एंड ही इज गुड एट इट. तो मेरे को बहुत अच्छा, मतलब मेरे को तो बड़ी बढ़िया से मैं उसको तो ऐसे देखता हूँ भाई बाला यार वाह क्या बात है तू गाता है, तू लिखता भी, मतलब वो लिखता भी इतना अच्छा है. ये बात है कि लोग गाते हैं सिर्फ उनकी आवाज़ अच्छी है, चलो गॉड गिफ्ट हो गया भाई तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, भगवान की देना, तुमने रियाज भी नहीं किया फिर भी तुम गा लेते हो, स्केल पकड़ लेते हो, बट जो तुम लिख रहे हो वो तुम्हारी जो फीलिंग है जो तुम कंपोज कर रहे हो बेसिकली, कंपोजिशन की मेरे को ओवर दीज ईयर्स इतनी रिस्पेक्ट हो गई है ना कि तुम जो धुने बनाते हो जो तुम ट्यून बनाते हो, देखो अनु मलिक को कोई कुछ भी बोले वो बंदा जीनियस है उसकी धुनों की वजह से जो वो बनाता है. और कौन है वो, अनु मलिक के साथ एक और था जो बहुत ही अच्छा ऐसे धुने बनाता था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा. बेसिकली मतलब ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा जाता है फॉर दैट, बट दे आर जीनियस इफ यू विल सी व्हाट दे हैव मेड एंड दोज ट्यून्स स्टिक टू यू. तुम्हें बादशाह के गाने स्टिक कर जाते हैं यार नए वाले, तो वो ही इज हमारा स्कूल का सीनियर है भैया. अच्छा सेम स्कूल से, ये तो बड़ी अच्छी तरीका है उसके डीएम से स्लाइड करने का. भैया भैया रिप्लाई नहीं करते पर. अच्छा बट हाँ वैसे मतलब कि आई रिस्पेक्ट हिम, आई रिस्पेक्ट हनी सिंह एज वेल. हनी सिंह के लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, वो तो छोड़ो वो तो टॉपिक ही अलग है, मतलब उसके बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा. बट आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब हाँ यार आप समझ गए ना, मतलब हाँ मैं समझ गया. मतलब एक चीज़ होती है कि यार हाँ इंडी है टैलेंटेड है, एक चीज़ होती है ब्रो लाइक यार कोई इंसान कुछ भी बोले, इफ़ यू कैन मेक पीपल डांस एंड यू कैन मेक पीपल लाइक द कैची ट्यून्स, लोग उसकी बेइज्जती इसलिए करते हैं बिकॉज हाउ इजीली इट कम्स टू देम, राइट, क्योंकि वो हर जगह फैल जाता है, लोगों को लगता है कि इसमें कोई मेहनत लगी होगी ऐसा एंड ऑल दैट जैज़. मैंने ऐसा ट्वीट करा था कि कुछ भी बोलो भाई हनी सिंह नचा तो देता, तुम कुछ भी बोलो पर वो इंसान तुम्हें नचा तो सकता है, व्हाटएवर यू से अबाउट हिम राइट नाउ, बट ही वाज वेरी गुड. ओ ब्रो रिमेंबर इंटरनेशनल विलेजर, व्हेन दैट एल्बम केम आउट इट वाज अ बैंगर. मतलब आई डोंट थिंक सो कि वैसा प्रोजेक्ट अभी तक किसी ने बनाया है जो वो, अरे क्योंकि वो चला इतना यार, वो क्लबों में चला, हमारे वाले गाने क्लबों में थोड़ी चलते हैं जो आजकल बज रहे हैं, जो वो कोलैब्स कीजिए इतनी ज्यादा, गिप्पी गरेवाल किस किस के साथ, दिलजीत बहुत सारे गाने सुने राइट, बट मैं मृत्यु सुन रहा था अपने किसी दोस्त के साथ और तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है, एंड आई नो इट्स गोना वीर्ड साउंड वीर्ड सेइंग इट टू यू क्योंकि तूने वो गाना बनाया राइट, प्रॉब्ली, बट मेरा पॉइंट है कि ऐसा बहुत कम होता है बिकॉज मैं कई गानों को ऐसे सुनता हूँ दे जस्ट हिट मी समथिंग अबाउट दैट सॉन्ग ब्रो जस्ट इज जस्ट जीनियस. व्हाट डिड यू थिंक अबाउट व्हेन यू वर मेकिंग दैट सॉन्ग, लाइक ये टिपिकल स्टोइक वाली मेडिटेशन ऑन डेथ थी और यू जस्ट लाइक व्हाट इज गोइंग थ्रू योर माइंड? तो देखो ऐसे दो तीन एस्पेक्ट हैं, एक एस्पेक्ट तो ये कि उद्भव अरेंजमेंट करता है गानों का, तो जो वो चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं बीच में जैसे यदा यदा च धर्म से डालना या ओशो का डालना एंड में, वो सब मेरा आइडिया नहीं था. मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, व्हाट यू डू व्हेन यू आर हेयर यू डू ऑल दोस सिंस एंड एवरीथिंग, जस्ट एक एक लाइन से मैं समझा सकता हूँ वो जो पूरा मेरा वर्स है कि राज बाटे मुंह पे ताले, एक एक लाइन है पूरा, एक पूरा स्टोरी टेलिंग समझ लो पूरी लाइफ है वो. एंड में आता है सीधे लेटे अग्नि ला दे मृत्यु, तुम मर गए. अब उसके बाद जब मैंने सेकेंड वर्स लिखा था इट वॉज लाइक मैं ऊपर आ चुका हूँ या मैं कहीं पर भी हूँ, बट आई इमेजिन कि आफ्टर लाइफ आई एम ट्रैवलिंग ऑन क्लाउड्स प्रोबेबली आई एम वॉकिंग ऑन क्लाउड्स. तो ऐसा कुछ था कि आगे चलते कदम रुकते मेरे देखूँ मैं क्या, भीड़ छोड़ आ गया या आसमां में तेरा, खबर ना कोई कहाँ तू नहीं है जिसमें छोड़ा, मौत पीछे छोड़ बिन शरीर वास करना, मतलब आई हैव लेफ्ट माई बॉडी एंड सोल इज ट्रैवलिंग. कुछ ऐसा मैंने लिखा था कि मस्तिष्क मेरा भाग है मेरा उस पर बचना, देख बुजदिलों को बस यही विचार करना कि कान भरते भरते फिर सुबह से शाम करना कि वापस द साइकिल विल गो ऑन एंड राजा बाटे मुंह पे ताले चुप्पी साधे चेहरे काले फिर वापस ऊपर आ जाएगा. तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग मृत्यु की यू डाई यू डू ऑल दीज बुलशिट थिंग्स यू डू या इन द एंड यू डाई यू गो अप देयर, दैट्स माय कॉन्सेप्ट. आई डोंट नो किसी को भी नहीं पता वैसे तो सच क्या. एवरी कल्चर हैज अ डिफरेंट आइडिया अबाउट हाउ डेथ इज, कल्चर भी ले लो, कल्चर के अंदर भी 150 तुम्हारे कॉन्सेप्ट होंगे, ये हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, किसी को नहीं पता सच क्या है क्योंकि प्रूव करने का कोई तरीका है नहीं यार. तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था मृत्यु को लेके. फिर बाकी ये बताएगा इसने क्या करा था उसमें, क्योंकि हम दोनों का वो था कि जो लोग इतना इन्फ्लुएंस होते हैं उससे वो इसका अरेंजमेंट भी है. मैंने लिखा जो लिखा ठीक है, right. मैं मानता हूँ कि वो लोगों को ज़रूर हिट करा होगा, बट जो वो एक जो तरीका होता है पेश करने का कि वो तुम सुनो पूरा जो एक
पावर पैक बोलेंगे इसको कि तुम पूरा पैकेज सुनते हो तुम राइट ऐसे मैं आपको लिरिक्स दे दूंगा आपको इतना हिट ही नहीं करेगा वो राइट पर पूरा गाना सुना जो जो इनिशियल ट्यून आती है ना माई गॉड दैट हिट्स एंड दी वो ओशो वाली जो पार्ट है ना तो तुम्हारा वो सुन के ना मैं मतलब मेरा बांध जस्ट टूटने वाला था कई सारे लोग मेरी जिंदगी में बोल रहे थे यार एक बार ओशो सुन हिंदी में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वो गाना आया तो मैं इस गार्डन में बैठा मैंने कहा चलो सुनते हैं ओशो इन हिंदी तो ब्रो दो घंटे पी दिए मैंने ओशो सुन लिया मैंने कहा वाह बढ़िया खींच गया तो लौंडा सही बात करता है बढ़िया व्हाट वाज योर प्रोसेस लाइक इन क्रिएटिंग विद यू यार उसमें मेन तो म्यूजिक है मुल्तानी जी ने तो क्या शनाई है वो जब मिला उसके बाद फिर बस अपने आप और जो ओशो वाला सैंपल था मेरा एक दोस्त है यथार्थ उसने मुझे सुनाया था वो ओशो का थोड़ा सा सुनाया था या तो मेरे को याद नहीं है यार शायद मैंने उसको गाना सुनाया था वो कहता कि यार ये इसमें डाल तो मैंने डाला था वो। अच्छा वो गानों की बात और करेंगे आई वांट टू टॉक अबाउट सैंपल कलेक्शन क्योंकि मैंने वेदांग से भी बात करी थी कि वो किस तरह से उठाता है तो वो कहता है ब्रो मैं बहुत पुराने पुराने गाने सुनता हूँ एंड देन आई हियर लाइक न्यू साउंड्स आर पॉपिंग ऑन यूट्यूब ये डू यू हैव लाइक अ साउंड लाइब्रेरी दैट यू रेगुलरली बोरो और सैंपल फ्रॉम हाउ इज दैट लाइक दोनों का है मेरे को तो पता नहीं मैं तो कहता नहीं प्रोड्यूस नहीं आप बोलिए कोई तो बोलिए जैसे बीच में क्रोमा पे एक वो मिल रही थी यूएसबी जिसमें आरडी बर्मन के रीमास्टर्ड गाने थे कार्बन टाइप का कारवान आता है जैसे कारवान जैसा ही था वो उसके अंदर 250-300 गाने थे आरडी बर्मन पेन ड्राइव थी बेसिकली तो बस वो एक मैंने ली थी बहुत पहले क्योंकि मेरे को देख के एकदम ऐसे हो गया था वो तो फिर उसमें से बहुत सारे सैंपल्स मिले बाकी मतलब भगवान की उससे हमारे दोस्त इतने बढ़िया हैं कि वो हमें ऐसे ऐसे गाने सुना देते हैं कि तो ऐसे मिल जाते हैं यूट्यूब पे सर्च करते करते मिल जाते हैं लेकिन ऐसे पर्सनली आई डोंट लुक फॉर सैंपल्स मैं मतलब सैंपल्स फाइंड यू मैन मैं एक बात बोलूँगा कि ये दोनों नहीं शायद बोलेंगे बात पर मैं ऐसा बोलूँगा कि हम हर प्रकार का म्यूज़िक सुनते हैं तो शायद उस वजह से हमें कहीं से भी कुछ भी मिल जाता है राइट मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्लेक्स है कि हम सब कुछ सुनते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है तुम भी सुन लो क्या है इतना मुश्किल नहीं होता ये थोड़ी इनसेंसिटिव बात है लेकिन काफ़ी बार तो याद ही नहीं रहता कि जैसे कुछ बना दिया एक ट्रैक तो उसमें कौन सा सैंपल था किस गाने का सैंपल था याद ही नहीं है भाई क्योंकि बस वो गाना है और उसको करके कर दिया बस देयर इज नो लाइक ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये आया वो आया जस्ट इट्स ऑल म्यूजिक या आई लाइक दैट अ लॉट मे बी आई लिसन टू अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स आई फाइंड इट वेरी वियर्ड जब लोग बोलते हैं भाई मैं टॉप 40 सुन रहा हूँ कुछ नई म्यूजिक रिकमेंडेशन दे दे सब कुछ हमारे हाथों में है ब्रो यू गॉट स्पॉटिफाई यू गॉट ओल्ड यूट्यूब गो एंड लाइक लिसन लोग उस रैबिट होल में जाने को तैयार नहीं है बिकॉज देयर अफ्रेड पता नहीं एक बार दो मिनट एक्स्ट्रा सुनना पड़ेगा क्या हो जाएगा ये कल्चर बहुत मेरे को लगता है म्यूजिक ना खराब हो गया स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग वगैरह आने से पहले हम इतना लाइक म्यूजिक वाज सो ऑब्स्क्योर दैट वी वुड हंट फॉर म्यूजिक एंड देन पुट इट इन आवर फोन 100% And too easily available. Then now it's everywhere. मतलब you got playlists. जैसे जैसे मैं बॉम्बे में था और मैं कैब में बैठा हुआ था और रेडियो पे ना एक गाना बजा आ जाने जा शायद वो गाना था वो और फिर उसको मैंने सैम्पल करा फिर वो मैंने तुरजो को भी दिया नातिक को दिया फिर नातिक ने भी सैम्पल करा तो ऐसे कहीं से भी मिल सकता है लेकिन स्पॉटिफाई मैंने इसके बारे में कई बार बात करी है एक जैसे रिकॉर्ड स्टोर वाला कल्चर है इधर दिल्ली में कम है बट उसका पूरा पॉइंट ये होता है कि जो पुराने रिकॉर्ड स्टोर के ओनर होते थे वो बोलते थे ये सारे बिन्स हैं मैं तुम्हें अपने 5 रैंडम बताऊंगा जो मेरे को पसंद है तुम ट्राई कर सकते हो और पूरा उसका सीन ये है ब्रो इट्स अनइंटरप्टेड लिसनिंग क्योंकि वो 5 रिकॉर्ड चलाएगा साइड ए साइड बी तुम्हें सारे सुनने पड़ेंगे आदमी आधा गाना बंद कर देता है यार ये चिल नहीं है कुछ और लगा दूसरा टाइप तो दैट अनइंटरप्टेड लिसनिंग सेशन अच्छा मेरे को ये भी याद है मैं और मेरे दोस्त एक दिन ऐसे ही कहीं नशा अवस्था में कहीं चिल कर रहे थे हम थोड़े छोटे थे तो हम सब ऐसे लेटे ज़मीन पर और सब जैसे सर मिलाते हैं और बीच में यही यहाँ पे स्पीकर रखा था स्पीकर रख लिया और पिंक फ्लॉयड की डार्क साइड ऑफ द मून पूरी सुनी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तो बड़ी बात ये थी कि कोई आप दोस्तों के साथ बैठ के कैन यू लिसन टू एन एंटायर एल्बम व्हिच इज़ व्हाट आर यू नो पेरेंट्स जनरेशन यूज्ड टू डू तुम पूरी पूरी कैसेट वगैरह डाल के पूरे पूरे गाने सुनते थे एंड यू हैड नथिंग एल्स अब ब्रो कुछ चल चला दे बैकग्राउंड के अंदर या थोड़ा लाइक जैसे ना थोड़ा बोर ना ट्राई करते हैं अब हमारे पास थोड़ा सा एक मैं मानूंगा कि हम ऑन द गो एल्बम सुनते हैं आज आते हुए फ्रैपे भैया के एल्बम सुनी है हमने तो ऐसे ऑन द गो बड़ी एल्बम सब चाहिए हमने ऑन द गो सुनी थी आई गेस ना हमने गाड़ी से ऑन द गो यू मीन लाइक तुम जब ट्रिप कर रहे हो हम जा रहे हैं जैसे आज तो बहुत ही लंबा था पर हमने छोटी एल्बम सुनी थी उस हिसाब से बट वैसे जैसे साउथ दिल्ली जाना 40-50 मिनट का रास्ता है तो एक एल्बम चला ली 40 मिनट की जो नई ऐसा नहीं कि हम पुरानी एल्बम फिर से सुनेंगे पर हमने नई एल्बम जैसे सुनी है बाकी बैठ के हमने एक बार बादशाह की पूरी एल्बम सुनी थी जो 1 आई थी उसका वो तो कुछ और ही था मतलब वो तो ऐसा था कि उसमें ऐसे गाने थे लाइट कर दो बंद मतलब क्या बोलूँगा मैं मतलब बट एनीवे आई एम सेइंग कि बहुत सारी ऐसे एल्बम्स हमारा थोड़ा अच्छा है माहौल कि हम सुन लेते हैं साथ में बैठ के एल्बम्स हम बट इट्स रेयर नो जैसे
मैंने नोटिस किया है गाड़ी में कोई दोस्त बोलता है भाई यार एक गाना सुनाता हूँ, गाना सुनाता हूँ, तुम ऑलमोस्ट देख सकते हो दूसरे इंसान का पेशेंस लेवल कैसे गिर रहा होता है, क्योंकि वो उसको हर एक पार्ट को पहले इंट्रो दे रहा होता है, अब ये आएगा, अब सुनो, अब वैल्यूएबल चीज़ आने वाली है, ये वाला वर्स सुनो। हाँ मैं करता हूँ इसके साथ बहुत बार, भाई ये वाला वर्स सुनो और छे दे फोन पकड़ा दे लिरिक्स खोल एप्पल लिरिक्स चल रहे हैं उसमें, वो बड़ा एक वो लगता है कि तू इसके अंदर अब बैठ, इसके अंदर वाइब कर, ये करना पड़ेगा, तू वो सेम चीज फील कर जो मैंने फील करी, मतलब हमेशा माहौल नहीं होता है एमएनएम सुनाने का, मैं सुना देता हूं, ये बेचारा किसी भी अवस्था में हो एमएनएम सुन रहा है लिरिक्स देख रहा है, इसके आर्टिस्टिक चॉइसेस को ट्रस्ट करता हूं मैं, तो सुनता हूं। सो ट्रस्ट इज अ बिग फैक्टर हियर राइट, बिकॉज़ यू आर ऑल फ्रेंड्स, मैं आई सी कि तुम्हारी जो इक्वेशन अभी हम लोग चिल भी कर रहे थे, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट हियर, आई एम श्योर यार अभी एक ऐसा समाना है वेयर थिंग्स आर जस्ट किकिंग ऑफ, बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मे बी ऑन दी आउटसाइड जो कानापूजी करते होंगे, भाई वो तेरे को बहनचोद बोल रहा था, डज दैट हैपन? आई गेस हम तीनों में कोई आ ही नहीं सकता, मुझे लगता है हमने किसी को इतना अलाउ ही नहीं करा, और जो अलाउ करा हुआ है जिसको वो ऐसा है ही नहीं, मतलब जो हमारे इतना क्लोज है ना, जो चौथा बंदा हो हमारे में वो इतना क्लोज होगा कि वो हमारे में ऐसे कभी बोल ही नहीं सकता, और वो बोलेगा तो हमें पता है ये कुछ गड़बड़ है, फिर हम उससे बात ही नहीं करेंगे, और ऐसा आज तक हुआ नहीं है, कभी हुआ हो तो हुआ हो, बट मेरे को नहीं लगता हमारे बीच में कोई ऐसा है कि कोई इसके बारे में मेरे को कुछ बोल दे, मेरे के मतलब ऐसा कुछ करते तो ये मानेगा या मैं भी मानूंगा, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई, और ऐसा बोलेगा भी नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं, मेरे को भी इट्स नॉट पॉसिबल। आई थिंक वी हैव एड दैट थिंग जब से हम आए हैं कि लोग एक अच्छी गुडविल हमने मेंटेन करी, बिकॉज वी नेवर सेड एनीथिंग टू एनीवन, वी जस्ट माइंडेड आवर ओन बिजनेस, वी मेड म्यूजिक एंड हमने बस वो करा, तो उस वजह से लोग हमारे बारे में भी ज्यादा नहीं हमें बोलते right. और हमारे दोस्त ही बने, जब भी हमने किसी से बात करी है वो हमारा दोस्त ही बना है, एक साल हो गया, दो साल हो गया, तीन साल हो गया, दोस्ती बढ़ती गई। बट आई थिंक एज लाइक सब लोग हम जो भी हम दोस्त हैं वी आर ऑल आर्टिस्ट्स, सो आई थिंक वी रिलेट विद ईच अदर, चाहे फोर्थ पार्टी भी हो हम तीनों के अलावा, सो इट्स लाइक कि यू नो वी हैव दैट काइंड ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग कि यो मतलब कि इट्स कूल, लाइक बैक बिचिंग का कोई ऐसा सीन नहीं है, राइट? या तो ऐसा कभी हुआ नहीं मतलब हमारे साथ, yeah. अच्छी बात है, टच पॉइंट। बट यू गाइस डू अ फक टन ऑफ कोलैबोरेशंस विद अ फक टन ऑफ पीपल, राइट? वो प्रोसेस कैसे रहता है? मैं वेदांग से बात कर रहा था, कहता इफ यू डू इट ऑफलाइन यू सेंड अ ट्रैक एंड देन द अदर गाय गिव्स हिज इनपुट एंड देन टू एंड फ्रो होता है, तो यू डू बोथ, राइट? कि यू डू इट ऑल अक्रॉस द कंट्री विद पीपल बिकॉज यू नो एंड बट देन यू ऑल्सो डू इट इन रियल लाइफ, और वो दो प्रोसेसेस फर्क क्या कैसा होता है उसमें? बहुत फर्क है, बहुत अलग है एक्सपीरियंस में तो, क्योंकि मैं मतलब मैं पर्सनली बताऊंगा, जैसे यार मैंने भी कॉलेज के अंदर बैंड था हमारा, ऐसे रॉक वगैरह बजाते थे, वी वर बैड एट इट, लाइक रियली बैड एट इट, बट दारू पी के सब अच्छा ही हो जाता है, तो एमेच्योरिशली हम लोग करते थे, बट ऑल ऑफ इट वुड हैपन इन रियल लाइफ, लाइक सब कुछ जैम होता था। आई सी जैसे आई ओनली हैव एक्सपीरियंस विद अ कपल ऑफ रैपर्स एंड बाला वगैरह, ये लोग पूरी पूरी रात स्टूडियो में बैठते हैं, पूरी पूरी रात बैठ के एक गाना बनाते हैं। I find that perseverance fascinating, but I can't relate to it. So help me understand. पूरी रात की बात करूँ तो मैंने इसके साथ बहुत सारे गाने बनाए फ्लैट पे बैठ के, मतलब ऐसा है कि हमने पता नहीं कितना मेरे हिसाब से ऐसा काम करा होगा कि हम बैठे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं, मतलब वो लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो गाना कहीं गायब हो गया, वो सुनते हैं लोग, और मैं गाना हमारा वो ऐसे ही बना सुना है मैंने, तो देखो आप भी सुनते तो मतलब देख रहे ना तो वो ऐसे गाने हैं कि वो ऐसे बनाए हैं हमने, राइट? और ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मतलब ऐसा है ना, हम तीनों में भी लोग ना अमेज होते हैं इस बात से, मेरे को नहीं पता होता ये गाना अपलोड कर देता है, मेरे को पता ही नहीं होता गाना आना है, मैं अपने फोन में नॉर्मल लोगों की तरह नोटिफिकेशन देखता हूँ, अच्छा प्रीमियर है, ये मेरे साथ भी होता है, तो मतलब इतना हमारे में ऐसा है, और किसी को कभी कुछ बात से प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड दैट्स लाइक आई गेट अमेज्ड बाय दैट कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, बट अच्छा है हम ऐसे ही हैं, दैट्स ग्रेट ब्रो। मतलब कोई मेरे को उस दिन बोल रहा था कि तुम्हारी ना वो नहीं, तुम्हारे लिए कैलेंडर नहीं बनाया जा सकता कि तुम भैया आज आपको रिलीज करना है, फिर दो हफ्ते बाद कंज भैया करेंगे, फिर उद्धव भैया हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, फिर हम ऐसे सोचते नहीं यार, कोई मतलब अगर कोई करना चाहेगा भी हमारे साथ तो मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा, आए के समय कभी करना पड़ेगा, बट अभी तो नहीं मुझे लगता कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, किसी का दिमाग खराब हो गया उसने अपलोड कर दिया, राइट? पता नहीं गाना बना चढ़ा दिया है, हाँ कर गया, आई थिंक दैट्स द वे इट शुड बी, राइट? क्योंकि मेरे को पता है कि लाइक देयर आर सम आर्टिस्ट जो एक एल्बम का कॉन्सेप्ट छः महीने तक बैठ के डिसाइड करते हैं, बट लाइक इन दिस एरा ब्रो, लाइक बनाया डालो लाइक आई सी इट लॉट, लाइक ऐसे तुम रेप्स ले रहे हो ना जिम में, यू जस्ट कीप डूइंग इट, एज अपोज टू मैं छः महीने में जाके एक बार वर्कआउट करता हूँ, आई लाइक दैट स्टाइल, बिकॉज तो जो वो एक एक्सेलेंस होती है ना, यू अचीव दैट इन द प्रोसेस, एज अपोज टू लाइक यू नो एक एल्बम बना के वेट करना, रिएक्शन देखना, it's your daily life, right? Like creating music, writing, producing is your daily life. Thinking about that, ki the people who take like a year to, I don't know, give out 2-3 songs, that's what they do, right? Unka roz ka kaam hai na ye, gaane banana. To kya kar rahe ho?
क्यों नहीं बना रहे? राइट एक दिन लगता है, मान लिया तुम आधे घंटे में नहीं बना सकते, चलो ठीक है, छः घंटे में चलो ठीक है, छः दिन में चलो ठीक है, छः महीने में तो निकालोगे ना. तो वो बात आप समझ रहे हो कि मतलब उनका वो लिटरली वो काम होता है. एंड देन एक पॉइंट पे जाने के बाद पीपल आई डोंट नो स्टार्ट नॉट फोकसिंग ऑन म्यूजिक एंड फोकसिंग ऑन अदर स्टफ एज वेल जो म्यूजिक के आसपास हो रहा होता है. आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स ऑन एनी बिग आर्टिस्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, राइट? सो व्हाई डोंट यू डू इट टू ऑफन? इफ यू आर टू बिग, इफ यू गेटिंग बिग, आपके रिलीजेस और ज्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए. करेक्ट करेक्ट. इफ यू गेटिंग बिग, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप छः महीने में एक गाना निकाल रहे हो. अब आप छः महीने में छः निकाल सकते हो यार. अब आपके पास छः बंदे जो आपके गाने मिक्स मास्टर कर सकते हैं. पहले आपको 1500 रुपये देने पड़ रहे थे एक लड़के को जो नागपुर में बैठ के आपके गाने मिक्स कर रहा था. समझ रहे हो मतलब आपका लेवल क्या हो चुका है? तो राइट वो. और आप जो कह रहे थे कि एक्सपीरियंस वाला, कि यहाँ का एक्सपीरियंस और वैसे कैसा, हाँ. तो अभी जब हमने एक लेटेस्ट एल्बम जब ग्रंथ बनाई थी तो मेरे को याद है कितने लोगों ने आके रिकॉर्ड करा था हमारे पास और कितने वर्सेस हमने मंगवाए थे. और फिर हम बैठे एक दो महीना साथ में बैठ के, इसने पूरी एल्बम मास्टर करी है, 3 मास्टर अलग अलग निकाले, अलग अलग लेवल पे इसने सब कुछ मिक्स करा. कुछ मिक्सेस होके भी आए इधर उधर से, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो चेन्नई से आना हो, चाहे वो केरला से कुछ आ रहा हो, या फिर आई डोंट नो नागपुर से कुछ आया हो, या ऐसे इधर उधर से हमारे अलग अलग स्टेट से कुछ हो. एंड इवन इफ कोड केम टू रिकॉर्ड, बबीता केम टू रिकॉर्ड, एंड इसके एल्बम के लिए आत्म केम टू रिकॉर्ड, तो मतलब जो कबीर केम टू रिकॉर्ड है, तो वो जो अलग फील थी पास बैठ के रिकॉर्ड करने की, वो सुनने की, जैसे माय बेस्ट लाइव सेशन आई विल से कि किसी ने मेरे आंखों के आगे रिकॉर्ड करा, तो वो बबीता गा रही थी एक और एक आत्म उसकी, मैंने उनको, और जो फील है कोड की रिकॉर्ड करने की, कोड इज फ्रंट ऑफ यू, इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही इज रिकॉर्डिंग, राइट भाई साहब, मतलब उसके लिए तो पैसे दे सकते हैं लोग कि मैं पैसे देख के देखना चाहूंगा कि भाई कोड रिकॉर्ड कर रहा है, ही इज टू गुड. सो कमिंग बैक टू आत्म उसकी एंड बबीता, that experience, that live experience you will get when they are singing in front of you, and जो वो magical आवाज़ होती है ना, जो उतने level तक चली जाएगी कि आप सुन रहे हो आपकी आंखों के आके गा रहे हैं इंसान, तो वो होता है. और मान लो तूर्जो जैमिंग कर रहा है, एक बार इसने तूर्जो का ऐसे बोला आधा घंटा फ्री स्टाइल कर, आधा घंटा फ्री स्टाइल कर, गिटार पे बैठ के आधा घंटा फ्री स्टाइल करा उसने, और इसने रिकॉर्ड करा और उसके ऊपर इसने गाना बना दिया सपना जो इसने प्रोड्यूस करा उसको लेके. तो मतलब ये चीजें भी हमारी आंखों के आगे होती हैं. और जो तुमने ये फ्री स्टाइल वाली बात करी ना गिटार की, एक बैंड है उसका नाम है फंकाडेलिक, नहीं मैं भूल गया उसका नाम क्या एग्जैक्टली, हाँ फंकाडेलिक, बट दे हैव दिस सॉन्ग कॉल्ड मैगेट ब्रेन. यू हर्ड मैगेट ब्रेन? नो द स्टोरी बिहाइंड इट? नो. स्टोरी ये है, एक 17 साल का गिटारिस्ट होता है, मैं इसके सुनाऊंगा पॉड के बाद, उनका 17 साल का गिटारिस्ट है, उसको सेशन में आके बंदा बोलता है इमेजिन कर तेरी माँ मर गई है, ठीक है, और उसको ही जस्ट गिव्स हिम लाइक अ ब्लॉट ऑफ एसिड टू ईट, ठीक है. सो इमेजिन करो वो ये सब कर रहा है, ही उसको वो प्रॉम्प्ट मिला है और वो इस तरह का गाना, इट्स स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट गिटार सोलोज ऑफ ऑल टाइम, 18 या 17 मिनट के लिए चलता है. तो आई एम जस्ट वंडरिंग कि इन द स्टूडियो जब इंसान आता है साथ में अपनी पूरी वाइब लेके आता है, जस्ट टू सी दैम अनफोल्ड, जैसे इस पॉडकास्ट से पहले राइट हमने कुछ रिचुअल्स करे, वी चिल्ड अराउंड जस्ट टू गेट इन दैट, राइट? आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दैट कि लोग किस तरह से, हाउ डू दे अनपैक सो दे कैन फाइनली लाइक स्पिट फायर ऑन द माइक. मैं अपना बोलूंगा तो मेरा कुछ नहीं है सब कलर, या सेम मेरा कुछ नहीं है, मतलब मैं सही बोलूंगा आपको तो. जीडीए फैंस, इट जस्ट हैपेंस. या व्हाट डू यू वांट टू से उद्धव, तू तो बहुत शांत रहा यार. मैं तो लोगों के साथ ऐसे बैठ के गाने नहीं बनाता यार. अच्छा तो अकेले बनाता है? अकेले. उद्धव ने मेरे सामने शायद ही कभी लिखा होगा. मैं लोगों को बुलाता हूँ काफी, लेकिन मैं ऐसे कभी अपना पार्ट नहीं करेगा गाने एक का. दो बारी मैं रिकॉर्ड भी अकेले करता हूँ, लिखता भी अकेले. मतलब अगर इसने कोलैबोरेशन भी करनी है किसी को बुला के, तो ये अपना पार्ट वहाँ नहीं रिकॉर्ड करेगा, मैं लोगों के सामने काम नहीं कर सकता, कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या है, सबका अपना प्रोसेस होता है, राइट? दैट्स योर्स. आई वांट टू टॉक अबाउट जीटीए फॉर अ सेक, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे थे, राइट? यू गाइस बिग फैंस ऑफ जीटीए? बहुत ज्यादा, मतलब कंसोल गेमिंग या फिर लाइक ऐसे पीसी वगैरह? कुछ कंसोल से, पीसी कंसोल, पीएसपी, सारे जीटीए खेली हैं. पीएसपी पे भी खेली है. पीएसपी पे भी खेली है? कौन सी? जीटीए वाइस सिटी वॉर्स? नहीं, अरे मैंने निंटेंडो सैन एंड्रियास खेली है. जीटीए 3 मैंने निंटेंडो गेम बॉय पे खेली है. हां भाई, हार्ड गेम है जीटीए. ऊपर से था जो ऊपर का शॉट, वो चाइनाटाउन, वो चाइनाटाउन वॉर्स, चाइनाटाउन नहीं थी वो, कुछ और ही थी ऐसी. 3 2 अरे 3 थी यार मेरे हिसाब से उसकी ना, कैसे 3 वो है 3D. 3 इज द फर्स्ट 3D गेम, उससे पहले 2 होगी. तो उसमें 3 नहीं आई थी क्या निंटेंडो में? गेम बॉय में भी थी. चलो जो भी थी मैं बताऊंगा आपको, पर वो थी, वो ऊपर से था पूरा ऐसे, ऊपर से जीटीए चल रही थी गाड़ी में बैठे, वैसे वो भी था, वो भी दिन थे. फिर जीटीए 5 भी खेली है, वो एक्सबॉक्स पे खेली थी, अब पीएस पे भी खेल लिया, राइट?
हाँ PS5 के लिए तो बन रही है अभी तक, ऐसी गेम है वो। मैंने रिसेंटली GTA ऐसे खेली, मैंने कहा पॉड के अंदर ही बताऊंगा भाई, मैंने फ़ोन पे खेली, मेरे को रियलाइज़ हुआ हम लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं 90s के कल्चर से, क्योंकि वो जितने भी डायलॉग्स हैं ना वो बड़े अजीब से लगते हैं सुनने में कि भाई हाँ भाई हम बस यही बोलते हैं, हम ग्रोव स्ट्रीट वाले हैं, हम हुकूमत करने जा रहे हैं। पर्पल, हाँ पर्पल वाले बॉलाज होते हैं, बॉलाज ग्रोव स्ट्रीट, एंड देन उन सबका अपना अलग अलग सीन होता है। चल खाना खाने चलते हैं फिर ड्राइव बाय करते हैं, बिकॉज ब्रो हम गैंगस्टर्स हैं, लाइक इट्स इनसेन। कपड़े लो राइडर, हाँ हाँ लो राइडर की रेसिंग करने जाते हैं, राइट राइट, या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लाइक यार दिल्ली का कल्चर, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हम दिल्ली रैप कर रहे हैं, ये वो ये, इस सिटी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरे पे, इसके AQI ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, ऑल दैट जैज। AQI, like, would you feel like growing up in Delhi, has that influenced you guys? Do you think about Delhi when you write in your songs? कभी कभी I'd say it's a tough city and it produces equally tough people. Yeah, hard. Say, like say not, I mean in terms of people. Yeah. बाकी पता नहीं यार, सब अपने आप होता है यार, पता नहीं। You're saying like whatever you do is very intuitive to you. I think all of us. But like, you यार उद्भव तू तो you know you dropped out and you did this full time, right? Yeah. Huh. In school also were you singing, like producing music by yourself and like early days mein virtual DJ wagera, did you do that? Ninth mein nahi, actually na 7th mein maine Skrillex suna tha, 7th 8th mein Scary Monsters wala. Fir mereko laga bhai isne pura ye sirf ek laptop pe bana diya, that's crazy. To mereko laga wow yaar, fir maine dekha usko Grammy mile uske liye, लगा भाई साहब। फिर मैंने तब पहली बार एफ एड डाउनलोड करा था अपने डैड के लैपटॉप पे, फिर मेरे को सेवन्थ के दिमाग को समझ में नहीं आया बिल्कुल, नहीं बोला वहाँ चाहिए गया, मैंने बंद कर दिया। फिर मेरे को गेमिंग का बहुत वो चढ़ा यार, क्राइसिस 2 खेलनी है यार, एक फिर ना मैंने पिताजी को बोला मेरे को ना गेमिंग PC बनाना है यार एक, तो फिर हमने बनाया, फिर गेमिंग से मेरा मन उठ गया और फिर मैं FL में आ गया, तो वहाँ से फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, राइट। फिर उसके बाद होता क्या होता, फिर मैं एडिक्ट हो गया FL से, फिर बस धीरे धीरे करके। व्हाट्स नेक्स्ट वो तीसरी दुनिया? इसकी एल्बम। अरे वो तो इमीडिएट है यार, और नेक्स्ट अच्छा हमारी भी एल्बम आ रही है। हाँ यार, मतलब अब देखो यार कि लॉकडाउन वगैरह खत्म होंगे इवेंचुअली, लाइक लाइव एक्ट्स आर गोना गो बैक, ठीक है बिल्कुल। आर यू गाइस थिंकिंग अबाउट टूरिंग द कंट्री कुछ, और आई एम थिंकिंग लाइक व्हाट अबाउट अ रिट्रीट वेयर यू गो टू लाइक अ सीक्रेट प्लेस जस्ट टू रिकॉर्ड एन एल्बम, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ बैंड्स म्यूजिशियंस डू दैट। थॉट ऑफ डूइंग ग्रंथ के टाइम पे सोचा था कि नॉर्थ ईस्ट चलेंगे और एक एयरबीएनबी लेंगे, 20-25 दिन के लिए एल्बम बनाएंगे, बट आई थिंक वी कैन डू द सेम थिंग फॉर द थीसिस एंड एल्बम। हमारी एक एल्बम Music there. I find it fascinating. तुम कई सारे आर्टिस्ट एक जगह पे रुको जाके, a lot of great albums are created like जहाँ पे nature होता है, like there's you know like new stuff. You're also free from your baggage. फोन ऑन ऑफ, ऐसे वही काम करने आए और रिकॉर्ड करने के लिए अलग एक इंस्पिरेशन भी मिलती है देख के आसपास जो लोग लिखते हैं। हाँ तो वो तो होता है, जैसे मेरे को ऐसा लगता है लोगों के बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने तब बनाए होंगे जब उनको कोई परेशानी नहीं होगी आसपास से, मतलब वो बिल्कुल पीसफुल होंगे, चाहे वो कमरे में बैठे हैं, बट इफ दे आर वेरी पीसफुल तो दिल राइट प्रॉब्ली दिल डू जस्टिस टू व्हाट दे डू, आई गेस इन राइटिंग और इन रिकॉर्डिंग व्हाटएवर सिंस यू विल से। जब बीटल्स इंडिया आए थे ये ऋषिकेश वाले आश्रम के अंदर, इन्होंने John Lennon wrote about 25 songs and and George Harrison wrote about, sorry, Paul McCartney wrote about 16 and George Harrison ne bhi likhe the. Ringo Starr ne nahi likhe kyunki usko itni manyata nahi thi. Donovan bhi tha aaya tha, right. Aur uske khair us Maharishi ne bol diya mere ko 25% album ki sales hi, unne kaha maar jata. Oh bhai, ha, usne kya kara, matlab usne bola ki India enlightenment transcend ho jao, Guru ne bola wah yaar wah swami kya baat hai, पूरे गाने वाने बना दिए विद इन यू विदाउट यू, यू नो वननेस ऑफ नेचर वननेस ऑफ गॉड सब कर दिया, उसके बाद कहता 25% सेल्स दे दो तो फक ऑफ और निकल गए वहाँ से, यही तो नाम खराब करते हैं। ये नहीं करना चाहिए था ना, जैसे बॉब मार्ले यहाँ रहा था, मेरे को तो बहुत इंडिया में रहा था बॉब मार्ले, मुझे वो मरा है यहाँ पे यार, मुझे पता चला रियली मुझे पता चला कि बनारस में, देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मैं बता रहा हूँ, देखो मेरे को कोर्ट मत करना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ,
ऐसा कि बनारस में इस बात पे कर सकते हो कि बनारस में ऐसा कहा जाता है कि इफ़ यू डाई इन बनारस तो द साइकिल ऑफ जो हमारे हिंदूइज्म की साइकिल है मोक्ष मोक्ष प्राप्त हो जाता है आपको, यू डोंट अब वापस इस जर्नी में जन्म नहीं लोगे बेसिकली, राइट? तो वो चीज़ आपकी खत्म हो जाती है इफ़ यू डाई इन बनारस, राइट? दैट्स द होली प्लेस फॉर दैट थिंग। तो करेक्ट, मैंने ऐसा सुना है मुक्ति धाम बने हुए ना बहुत सारे, एक पिक्चर भी आई है नेटफ्लिक्स पे मुक्ति धाम, वहाँ पे मतलब तुम इफ़ यू नो कि तुम मरने वाले हो तुम वहाँ पर जाके घर ले सकते हो जस्ट घाट के पास और वहाँ रह सकते हो। तो दैट्स द थिंग कि मैंने ऐसा सुना है बॉब मार्ले का एक बेटा उसका नाम रोहन मार्ले, तो वो यहाँ रहा भी था, व्हिच इज द पार्ट ऑफ ऑल फेसबुक मीम जोक्स। तो बेसिकली आई हैव हर्ड कि ही डाइड हेयर ओनली, ही केम हेयर फॉर दैट ओनली, तो दैट्स प्रोबेबली हिज पर्पस, दैट्स व्हाई ही केम। ये मुझे को दो तीन हफ्ते पहले पता चली है बात मोक्ष वाली, तो मैंने वो बात लिंक करी है, मुझे नहीं पता है सच है कि नहीं कि वो यहीं पर मरा, बट आई थिंक सो ही डिड दैट purposely because he knew and he believed in our culture so much. I don't know, people do believe in our culture. Yeah, it's weird. So, ek, there is a musician called Alice Coltrane, jazz ki bahut badi wo usne to she also got fascinated by Indian culture, gaane usne aise banaye Sachin Nanda wagera kis kis naam ke, all supposed to be Indian jazz. Fir ek aur Indian musician aaya Sarthi Korwar, wo bhi pod pe aaya, usne fir cover kar ke gaane bola main Indian hu main batata hu sach kaise hota hai. So There's a lot of it going into it. In fact, एक और guitarist था John McLaughlin करके, उसने एक band बनाया शक्ति, और उसके अंदर वो electric guitar पर सितार के notes पर रहा था, जो आजकल बहुत common हो चुका है, right? कि मतलब वो तुम्हारे studio के अंदर भी जो सितार वाला sound आता होगा, you know, एक special garage band में तो आता है, at least मेरे को पता है, बहुत घटिया pack है वो सितार वाला। Which is the other funny thing, जब भी मैं Indian sample सुनता हूँ, I always जो जब भी इंडिया सैंपल आता है किसी भी जेनेरिक लाइक बीट वाली वेबसाइट पर सितार बज रहे होते हैं, व्हिच इज सो ओल्ड, राइट? इट्स नॉट एन इंडियन साउंड एनीमोर, मूवीज में बज रहे होते हैं पीछे बैकग्राउंड में सितार, तबला सितार, तबले सितार, सितार बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं, और वो इट लुक्स इट साउंड्स मोर लाइक वो मिस्र की ट्यून है, इजिप्ट वाली ट्यून है, मिडिल ईस्टर्न से ट्यून है, पर्शियन ले जाते हैं उसको, बट आई लाइक इट मैन, लाइक आई लाइक द वाइब, मेरे को लगता है क्लासिकल म्यूजिक इज इनसेन इफ यू रियली डाइव इनटू इट, बहुत रिच चीज है हमारा देश ऐसे। मैं उस दिन किससे बात कर रहा था, कबीर सही, तो ही सेड कि ऐसे ऑफ टॉपिक है बट ही वाज सेइंग कि समथिंग अबाउट हिप हॉप, सब कुछ ऑन टॉपिक है ब्रो, ही वाज सेइंग समथिंग अबाउट हिप हॉप एंड देन ही सेड कि दिल्ली में हिप हॉप आ गया, इंडिया में हिप हॉप आ गया, तो एक ऐसा वेव है जो भी आया गली बॉय के बाद आया, जब जैसे भी आया, आई वाज लाइक कि हमारा देश ऐसा है कि हमारे पास इतना इमेंस कल्चर है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ हिप हॉप हिप हॉप रह जाएगा, यहाँ हमारे देश में हर बंदा कुछ ना कुछ अपना डाल रहा है, तो हिप हॉप इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारे कल्चर से, राइट? और वो कुछ 10 साल बाद अजीब सा ही हिप हॉप, अजीब या अच्छा बुरा मुझे नहीं पता कैसा होगा, बट वो कुछ ऐसा होगा कि वो हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस होगा, वो एक पार्ट ऑफ अलग हिप हॉप होगा जो इंडिया ने क्रिएट करा होगा 100% अलग अलग अपना कल्चर देके, इवन इफ इट्स प्रदीप और सीधे मौत और इवन इफ इट्स TNS डाउन देयर और एनीवन मेकिंग एनी काइंड ऑफ म्यूजिक इन नॉर्थ ईस्ट नीचे ऊपर कहीं पे भी आप समझ देखो ना, लैटिन अमेरिका के अंदर जब रैप आया तो अब लैटिन अमेरिका जो जितना भी इन्फ्लुएंस है स्पेनिश इन्फ्लुएंस अमेरिकन गानों में आना शुरू हो गया, राइट? तो वही मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे देश में तो लैंग्वेजेस भी इतनी हैं, जो अभी ये साइफर्स आने शुरू हुए हैं, जो लोग पिछले 4-5 साल से साइफर्स देख रहे हैं और पहले से भी, अभी ऑडियंस बढ़ी है जो देखने लगे, करते हुए बहुत टाइम से रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो हम बहुत फैसिनेट होते हैं, मैं तो स्पेसिफिकली बहुत फैसिनेट होता हूँ कि इतने अच्छे अलग अलग टाइप का म्यूज़िक हमारे देश में बन रहा है, तो मैं बता रहा था बस कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हिप हॉप हमारे यहाँ पे आया है वो एक अलग तरीके से निकलेगा, मतलब इट्स नॉट गोना स्टे दैट होल ब्लैक कल्चर विच हैज़ बिन बोरोड बाय अदर पीपल टू डू रैप, आई थिंक हमने कुछ और ही जोड़ दिया उसमें, तो इसीलिए हमें भी वो देसी हिप हॉप में कंसिडर करते हैं हम, मैं नहीं मानता कि हम हिप हॉप बनाते हैं, हम सब कुछ बनाते हैं। यू नो व्हाट्स क्रेजी, मेरा एक दोस्त है, ही वेंट टू सूरीनाम, सूरीनाम एक जगह है बिल्कुल जहाँ पे साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट शुरू होता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडियन पॉपुलेशन रहती है एंड इट्स पीपल फ्रॉम बिहार एंड दे मेक बिहारी चटनी म्यूजिक एंड सो सूरीनाम की पॉपुलेशन साउथ अमेरिका, हाँ थोड़े बहुत वहाँ के इंडिजिनस लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग पंच बिहारी एंड दे रूल द एयर वेव्स, मेरा दोस्त जाके अपने यूकेलेले लेके उसने उनके रेडियो के ऊपर बजाया बकायदा, so I'm like bro that's yeah I think crazy. They were slaves, right? They were British slaves possibly, I'm not sure, who made a colony there. Ho sakta hai, bahut sare Indians World War 1 mein bhi fight kare the na UK ke liye, so they went to a bunch of different places. A lot of Indians are also in Trinidad and Tobago, bilkul Jamaica ke paas, West Indies ke andar, ha to wo intersection hota hai, mera roommate tha college mein wo bhi Jamaican tha, Jamaican usse tha, तो कई सारी चीज़ें हमारे बीच रिलेटेड थी कि हम जिस तरह से खाना खाते हैं, जिस तरह हमारा वेशभूषा होता है, जो हमारे कुछ कुछ कंजर्वेटिव ओपिनियंस हैं, बहुत मिलते जुलते थे, विच फैसिनेटेड मी ट्रेमेंडसली। ये चीज़ इनफैक्ट वो लिफाफा हैज़ मेड दिस सॉन्ग कॉल्ड तेजेता,
अगर तुमने सुना हो उसकी एक नई एल्बम में रॉ मैंगो एक ब्रांड नहीं है इसके लिए वो और उसकी वाइफ वो बनाते हैं. सो तेजेता इज बेसिकली अ कवर ऑफ द सॉन्ग तेजेता जो इथोपियन जैज है. तो मैं बोलता हूँ बड़ा फैसिनेटिंग यार कि तुम इथोपिया के गाने को ऐसे इंडियन आवाज़ के अंदर कर रहे हो. बट सो मच ऑफ म्यूजिक एग्जिस्ट आउटसाइड that if we just start incorporating into our own stuff bro, so the genius will create. So there is, I think for a long time Bollywood ke saath ye hua tha ki all of Bollywood music was based on classical Indian music, like all of A.R. Rahman's composition, R.D. Burman, you know, all of these were influenced sound wise from outside, like right, synths and stuff they used, but composition wise it was always melodically it was always based on Indian classical music only, like right, all of these people A.R. Rahman, R.D. Burman, S.D. Burman, they all know about Indian classical theory, right, right, because they're all classically trained, yeah, right, yeah, and they're the ones that were just there jab T series wagera pop up kar rahe the, to wo mainstream music ka wo ban gaya. But so, it's, you're saying it's shifting, but now, but with the independent scene, like with hip hop as well, so it's like, you know what Karun was saying earlier, ki it's like, you know, taken from the black culture, obviously, right, hip hop is black culture, so, and we have Indianized it, I think it's a very, so overall the music scene is kind of like, you know, changing in a very drastic way, because pehle if you listen to any Bollywood songs, it was like, yo, this is like, you know, that Bollywood sound, but now music means different things to different people, because it's right, like, you know, influenced by so much more culture. राइट हाँ, मैं आप बता पाओगे कि ये 2010s का म्यूजिक था? हाँ, बता नहीं पाओगे. क्यों नहीं बता पाओगे ब्रो? क्योंकि यू कैन टेल बाय द सोनिक. बिल्कुल बता सकते हो, पर ऐसा म्यूजिक आजकल बन रहा है जो आज से 5-10 साल आगे का है. तो अगर मैं तेरे को आज का म्यूजिक प्रोबेबली 35 में सुनाऊँ तो तू कह सकता है कि शायद बिकॉज आई थिंक वी हैव ऑल्सो लाइक रीच द ऑडियो थ्रेशोल्ड की यू नो द क्वालिटी वाइज कि ऑलवेज ऑडियो क्वालिटी हैज बीन इंप्रूविंग ओवर टाइम, बट आई थिंक वी हैव रीच्ड द थ्रेशोल्ड. की बात नहीं कर रहा मैं, तो म्यूजिक की उसकी बात कर रहा हूँ कि किस टाइप का म्यूजिक बन रहा है, कैसा म्यूजिक हम सुन रहे हैं. जैसे ये बोल रहा था कि काटी आज से 10-15 मिल गई कॉफी का, नाइस, 10-15 साल के आगे का म्यूजिक बना रहा है काटी, ये कह रहा था ऐसा. तो मेरा ऐसा मानना है कि हम भी जो आजकल म्यूजिक बना रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो फ्यूचर का म्यूजिक जरूर क्रिएट कर रहे हैं. हाँ, और आज से 5 साल बाद भी आप सुनोगे तो आपको यार ये तो अभी बना लग रहा है, तो बड़ा फ्रेश है. राइट, जैसे हनी संग का म्यूजिक कुछ था जो इट वाज प्रोड्यूस्ड वेरी वेल एंड मिक्स्ड एंड मास्टर्ड वेरी वेरी वेल. उसकी प्रोडक्शन की तो कोई वही नहीं है ना, मतलब उसने जो जो प्रोड्यूस करा, मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम लोगों ने जो हनी सिंह फैनाटिक्स होंगे प्रॉब्ली उन्होंने वो म्यूजिक सुना होगा जो उसने पहले प्रोड्यूस करा हुआ है बिफोर दिस इंटरनेशनल विलेजन एंड एवरीथिंग. ही प्रोड्यूस्ड अ बंच ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जिसकी प्रोडक्शन इतनी अच्छी इतनी रॉ है, और मुझे नहीं लगता कि अब वो चीज हो पा रही है जो वो कर रहा था. वन थिंग दैट आई नोटिस इन बॉलीवुड इज लाइक कि अब क्या हो रहा है, जैसे शैतान मूवी जब आई थी तो हवा हवाई और कोया कोया चांद जैसे दो गानों को इन्होंने बीट्स का अच्छा रिपर्पस करा था, और फिर दिल्ली वैली में KL साइकिल का गाना वो साइकिल ब्लूज आया था, दुनिया में प्यार जब बरसे, राइट. सो दोज आई फेल्ट फॉर न्यू, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जो अब बैंगर्स आते हैं बॉलीवुड के अंदर से यार मोस्टली पुराने गानों को वो करके, तेरे रश के कमर जैसे वो गाना है वो भी अंदर रिमिक्स कल्चर जो टी सीरीज ने शुरू किया ना. एंड ऑल्सो एज आई वाज सेइंग अर्लियर कि लाइक इट वाज बॉलीवुड म्यूजिक वाज मेजरली बेस्ड ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बट नाउ इट इज नॉट, इट्स काइंड ऑफ लाइक बेस्ड ऑन EDM एंड यू नो मेकिंग पीपल फॉर श्योर यू नो and the aesthetic of it has gone. लोग बचते हैं. Yeah, it's like ये सब सनबर्न ने खराब कर दिया. The song is only there to promote the movie. That's it. The song is only there to promote the movie. They're gonna release a music video before the release of the movie. Right. And उनका promotion हो गया because people are gonna get like listen to the fucking you know video because like, I don't know because there's like a chick. Right. And cars. A decade of Malaika Roda dancing in front of us. But so, you know, that's Jacqueline the selling point of the music. So it's आजकल like Jacqueline और बादशाह होते हैं गाने में, वो गाना हिट हो जाता है. Bro, nobody attack. cares. Nobody care. Attack क्या है भाई? Nobody cares कि गाना क्या है. सच बोल रहा हूँ. True shit है. True shit है. सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ. I agree. I can't even recognize the new stars that have come out now. मेरे को उनके नाम याद नहीं होते. I just remember the OGs पुराने, जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ जैसे ये कटरीना है, ये दीपिका है, ये करीना है. अब जो नए नए नाम आ रहे हैं ब्रो, तारा सुतारिया, कृति सैनन, आई डोंट नो हु दीस पीपल आर, यू नो. मेरे को लगता है मैं पीक कर गया था एक टाइम पे, फिर मैंने ध्यान देना छोड़ दिया बॉलीवुड के ऊपर. सलमान की पिक्चर एक लेवल तक देखी थी मैंने, उसके बाद नहीं मैं देख पाया उसको, क्योंकि नहीं देख सकते. सलमान वाज रॉ एंड नुआंस्ड टिल तेरे नाम, आफ्टर दैट इट जस्ट वेंट डाउन. मैं बताता हूं, थोड़ा शेम होगा, पर मैंने शायद जय हो तक देखा उसको. हां, जो इतनी शेम नहीं है, कोई बात नहीं है. क्या है वो
रेडी. मैंने तो बजरंगी भाईजान तक देखा है ब्रो. भाई वो भी ठीक थी, पर जब वो आई थी ना प्रेम रतन धन पायो, और जब इसने थोड़ा हो गया जो काम खराब, एक बार फॉर्मूला बन गया ना, फिर तो फॉर्मूला को ड्रॉप कर दिया. ही स्टॉप्ड एक्टिंग, यू नो, ही जस्ट स्टॉप्ड इट. ही वाज लाइक, क्या करना एक्टिंग करके, क्या इट्स बेसिकली लाइक यो, मैं सलमान हूं, ये मेरी पिक्चर है. ही स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक. घोड़े के ऊपर ऐसे वीडियोस होते हैं. वीडियो में भी है घोड़ा, देखा है मैंने, बहुत है वीडियो में भी है, वीडियो है उस गाने की. दैट्स क्रेजी. एक टाइम ऐसा था अमिताभ बच्चन को गाना गवाते थे पिक्चरों में, और वो बढ़िया गाता था. अच्छा अपना उसने उसमें भी तो गाया बागवान में, चली 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 चली, आवाज बहुत अच्छी है ना. हाँ, इनफैक्ट इफ यू अगर 70s की कोई मूवी सुनी होगी ना, बिकॉज उसका रेडियो में करियर था ना, ही ऑल्सो उसने ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत सारे गाने बनाए हैं, कि एक जंगल में मैं रात को जा रहा था. एक और गाना है, एक गाना है जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार, सुना है पूरा क्या? एक बहुत क्रेजी गाना है, एक बहुत अच्छा अमिताभ बच्चन का गाना है, ऐसे मेरे पास आओ वही गाना, एक किस्सा सुनाओ, बड़ा अच्छा गाना है. हाँ. मूवी का गाना है ना बच्चों के लिए. हाँ. उसमें साउंड इफेक्ट्स हैं, अलग अलग शेर के साउंड इफेक्ट्स हैं, बहुत अच्छा गाना है. तो उसी टोन के अंदर उसने एक और गाना बनाया था, कि पहले तो 1 o'clock इन माई हाउस देर वॉज अ कैट देर वॉज अ माउस, खेल रहे थे डंडा गिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली, चूहे को पड़ गई जान के लाले, मोला मुझको कोई बचा ले, मेरे पास था बड़ा गिलास, पी गया चूहा सारी विस्की, कड़क के बोला कहाँ है बिल्ली. पूरा गाना है ब्रो. ब्रो टॉम एंड जेरी की क्लिप चला दो. मैंने पता नहीं पूरा आधा गाना क्यों गा दिया ये, बट इट्स जस्ट यू नो फन टाइम्स व्हेन लाइक यू कुड एक्चुअली हैव लाइक सम डोप एस एक्सपेरिमेंटल कॉमेडी. लाइक हम उस पे हंस पाते हैं, इवन दो अमिताभ बच्चन हमारे जमाने का नहीं, बट द फैक्ट दैट ही कुड जस्ट एम्बॉडी दैट रोल एंड डू दैट. अब लोग थोड़ा परसेप्शन में इतना ज्यादा फंस गए हैं ना, कि वो इस तरह का रिस्क नहीं लेते अब, यू नो. सही है, मतलब अमिताभ्स फादर वाज अ लेजेंड पोएट. ओ या ब्रो, मधुशाला नेवर ड्रैंक अ ड्रॉप येट कुड टॉक अबाउट इट. No, but yeah, he came from a background like that. फर्क है, मतलब मैं तो आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियन डिस्को. मेरे को जो डिस्को गाने सुनने में मजे आते हैं ना, लगता है ये 80s में था बहुत सारा डिस्को. बप्पी लहरी इज अ डिस्को किंग. नाजिया हसन विजय बेनेडिक्ट, जिसके कसम पैदा करने वाले की वाला. हां ये रूपा या ब्रो, दैट्स द इंट्रो ट्यून फॉर द चैनल. रूपा, तो मेरे को लगता है रूपा की फैसिनेशन, जो तुम बात कर रहे थे ना कि एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती फॉर्मेट, जितने भी पुराने डिस्को वाले गाने हैं इंडिया के अंदर, तुम देखना थोड़ा सा सिंथ बचता है, क्योंकि एस्थेटिक मेंटेन करना है, ठीक है, थोड़ा सा वर्स आता है, बट दैट्स इट. रूपा के सारे गानों में, बिकॉज इट्स कॉल्ड डिस्को जैज, सिंथ बचता है 3 मिनट के लिए. तो यू गेट टू एक्सपीरियंस की जैसे गिटार सोलो होता है ना, उसी तरह से प्रोग्रेसिव आई गेस जो चल रहा है. बट आई थिंक रूपा इज द ओनली इंडियन इन द ऑन द होल प्रोजेक्ट. Like the musicians are not Indians. Really? Yeah. Achha, I did not know that. She's an auntie now who lives in Canada. Yeah. I follow her on Instagram. Oh wow. Achha, you do? That's crazy, bro. अभी थोड़ी देर में बोलेगा follow भी करती है मेरे को. I wish. मैं उनके साथ गाना बनाता. Oh fuck, wow, भाई क्या बनता है. Welcome back, Rupa. But it's crazy, na. Even those ki gaane Bengali mein, you vibe to it. Maja, bari maja. मतलब मेरे को तो मन करता है मैं पोलका वाली शर्ट पहन के जाऊँ, मेरा नाम भी ऐसे, यू नो, ऐसे रॉड्रिक्स हो, मेरे एक दोस्त, मेरा दोस्त विजय, मैं रॉड्रिक्स और विजय जा रहे हैं क्लब के अंदर. कौन सी एक्शन रीप्ले मूवी बनी थी? हाँ बनी थी, इट्स सो बैड ब्रो. ब्रो इट्स अ फन वॉच, आई थिंक. आई हैवंट वॉच्ड इट टू मच इन अंडर राइट सर्कमस्टेंसेस. जैसे कि वो 30 मार्च है. रघु और राजीव भी होते हैं, वो ट्विन्स होते हैं, जुड़े होते हैं, लिटरली जुड़े होते हैं. सच में वो ट्विन्स तो हैं, पर वो मूवी में जुड़े हुए हैं. मतलब रेगुलर ट्विन्स को साइमीज ट्विन्स बना दिया. ब्रो और फिर वो रोडीज पे आके लोगों की लेते हैं. हाउ द ऑडेसिटी. ऑब्वियसली मतलब उसमें अगर अक्षय कुमार है तो कैटरीना कैफ भी है उसमें. हाँ मैंने, तुमने वो देखा है रघु का फर्स्ट इंडियन आइडल वाला ऑडिशन, जिसके अंदर वो उल्टा बोल के चला जाता है. देखा है.
मतलब ठीक है, रघु गा भी सकता था, सही गाया था उसने, बुरा तो नहीं। मैं बता रहा हूँ गाने बना सकता था, वही तो कह रहा हूँ तेरे को, जब ऐसे इतने सारे लोग हमने देख लिए जो गाने बनाते, तो रघु भी बना सकता था, मतलब मेरा ऐसा मानना है। लेकिन उसको फिर उसका टीयर फोर बच्चों का भगवान बनना था, तो मजा बड़ा आया। बट वो देख के रोडीज देख के आज भी बहुत मजा आता है, आज वो बात नहीं रही रोडीज में जो पहले थी, जो वकार सेगा के अंदर है वो भी बात नहीं है। वकार सेगा भी भाई वो तो मजाक है भाई, क्या करता है, क्यों करता है वो तो मैं फेसबुक पे रात को 4 बजे देखता हूँ, ऐसे स्क्रॉल करते हुए देख रहा होता हूँ। जब कोई पुलिस वाला पीट रहा होता है किसी को, चार कोई भगता है ट्रैफिक तोड़ के, वो वीडियोस में आता है वकार सेगा। वकार सेगा ना क्रिप्टो का बहुत बड़ा वो है ट्विटर पे, तो तुमने अगर वकार सेगा ट्विटर देखा है ना, हर रोज वो इमरान खान को टैग करता है, इमरान खान क्रिप्टो को लेके आओ ये वो है वो। इमरान खान का लेके आएगा ब्रो, क्रिप्टो इज फॉर एवरीवन। हां नहीं ये क्रिप्टो ब्रो, तुमने करा इन्वेस्ट क्रिप्टो में? नहीं, बट आई हैव बैट, लाइक आई यूज ब्रेव। व्हाट डू यू मीन? Like it's a browser जिसपे like you kind of like surf and you get this currency which is BAT, the coin is BAT, basic attention token, मतलब वो उसपे list हो चुका है क्या? BAT क्या list हो चुका है बाकी सारी जगहों पे जहाँ पे ये बाकी सारे? हाँ हाँ, अरे it's a crypto की विचित्र दुनिया है, उसमें आ चुका है, मतलब ऐसा है जैसे लोग खरीदते हैं, थोड़ा डोज खरीद लिया, नहीं नहीं हाँ थोड़ा शीना में भी, क्या नाम था उसका, शीबा इनू कुत्तों के नाम पे कॉइन है, जो भी है, मतलब डोज कॉइन, शीबा इनू, वो बिटकॉइन, इथेरियम प्रथम खरीदता है, प्रथम मैं बता रहा हूँ ऐसे वो है, मतलब ये सबको बताता हूँ जो जानता है प्रथम को, प्रथम के पास बहुत सारा पैसा है क्रिप्टो में, हाँ। उसने इन्वेस्ट करा हुआ है बहुत सारा पैसा, अब देखना एक दिन वो निकालेगा ऐसे काली गाड़ी में आएगा, हाँ। भाई ये मैंने खरीदी थी क्रिप्टो का सीन अलग ही चलेगा इंडिया के अंदर ब्रो। अभी इलॉन मस्क ने दोबारा से बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया टेस्ला में, एंड द करेंसी, मुझे लगता है वो दुनिया के मजे ले रहा है अब मैं एक्सेप्ट करूंगा डोज कॉइन बढ़ जाता है, वो सच में ऐसे ही बैठा होगा और वो मजे ले रहा होगा भाई। हाँ भाई, बढ़िया इलॉन मस्क ब्रो, मतलब मैं आई थिंक ही हैज टू साइड्स, हिज पब्लिक पर्सोना इज अ वेरी गुड पर्सोना, मस्त लगता है मेरे को, पता है वो ना उसमें भी था, तुमने आयरन मैन देखी, पता नहीं कौन सी मूवी थी, आता आयरन किसी में आता है किसी में, टोनी उससे ऐसे बात करते जैसे टोनी के लिए काम करता है वो, टोनी उसको कहता हां हम बात करेंगे उस आईडिया पे, हां होगा वो, आई मीन या इलॉन इज वियर्ड ब्रो, बिकॉज़ एक तो इलॉन ने सैटरडे नाइट लाइव भी होस्ट करा और उसमें वो ऑकवर्ड सा था, वो सब अच्छा लगा यार, मेरे को अच्छा लगा, प्यारा लगा, आउट, क्योंकि उसको उस बंदे का ये भी है ना, मैं मुंह से बोलूंगा अ शेयर गिर जाएंगे, मैं बोलूंगा ब शेयर ऊपर हो जाएंगे, उसका ये सीन है जो सब लोग बोलते हैं ना क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, नहीं भाई इलॉन मस्क कंट्रोल करता है क्रिप्टो, सही में कह सकते हैं, कह नहीं सकते, इट इज जितना मुझे समझ आता है मेरे को तो लगता है कि हाँ कर सकता है, उसकी ट्वीट्स आती हैं मेरे को किसी ने लाइक करी होती हैं, क्योंकि उसको फॉलो करेंगे तो पता नहीं ट्विटर कैसा हो जाएगा, अभी अर्पित बालो फॉलो करा ट्विटर पे, भाई मैं बता रहा हूँ अर्पित बालो को बिल्कुल अनफॉलो करा ट्विटर पे भी, जहर नहीं नहीं बहुत बढ़िया, मैं कह रहा हूँ उसने मेरे ट्विटर का ऐसा नज़ारा बदल दिया, मतलब जैसे बालो आया मेरे ट्विटर पे ऐसा, मतलब एक अलग ही नूर आ गया ट्विटर में, आपको बताऊँ मतलब ऐसी ट्वीट्स होती है ना, मतलब मज़ा आ जाता देख के, कि मुझे ऐसा लगता है ये जो तू कूड़ा करता है इंस्टाग्राम पर, ये इस पावन प्लेटफॉर्म पे मत ले गया, यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट विंग राइट विंग की बातें चलेंगी और थोड़ी बहुत जैसे टेक वाले बंदे ज्ञान चो देंगे, किस तरह से लॉस्ट इट्स इंटरमीडिएटरी स्टेटस, अभी पढ़ रहा था मैं आज, या दैट्स क्रेजी, दे एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट्स रेगुलेशंस, तो अब गवर्नमेंट सेंसर करेगी, या मतलब कि ट्विटर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सो ट्विटर ही नहीं डालने देगा इफ समथिंग डजंट कंप्लाई विद गवर्नमेंट, दैट्स क्रेजी ब्रो, आई थिंक, आई डोंट नो, but I don't know what's the extent. How do you guys use Twitter? तुम सिर्फ एल्बम की वो चीजें लिखते हो? नहीं, और इसने क्या GTA 6 के मैप की एक बार ट्वीट कर रखी थी मैंने देखी, मैंने कहा yeah bro GTA 6 map revealed, बहुत सारे ट्वीट करते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़ी चीजें जो भी दे रीट्वीट, तो मेरे को बड़ा मजा आता है करना, किसी को चीज में बहुत रिलेट करता हूँ, मतलब भारी रीट्वीट होता है उस पर, दबता है ऐसे कि हाँ ये है ये, मेरे उस पर पिन कर दूंगा एक बार कि हाँ ये मैं बहुत फील कर रहा हूँ, तो मतलब हाँ नया नया, अभी मैंने भी अभी थोड़े महीनों पहले ही डाला ट्विटर, इसने भी अभी डाला ना, कि तू बहुत पहले से है, साल हो गया होगा तेरे को यूज करते हुए, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इसी ने मेरे को बताया था, मुझे लगा था कि म्यूजिशियंस वाली बात होगी, लेकिन जब तूने GTA 6 वाला मैप डाला था, मैंने कहा इससे बात करनी है एक बार, क्योंकि मेरे को बड़ा पसंद है, मेरे पास नोटिफिकेशन जाती है जब GTA 6 में नई अपडेट्स आई, अब क्या चल रहा है, कब रिलीज होने वाली है, कब आएगी, 2022 में आएगी ब्रो, नहीं नहीं आएगी, क्यों 24 से पहले नहीं आएगी, पर कैसे पक्की, क्योंकि इस साल तक तो वो अभी GTA 5 को PS5 पे निकाल रहे हैं, उनको वैसे जरूरत नहीं GTA 6 बनाने की, इतना पैसे कमाते हैं GTA 5, मतलब ऑनलाइन वो चीजें टेस्ट कर रहे हैं GTA ऑनलाइन के थ्रू, व्हिच आर गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड, मैंने ऑनलाइन अभी खेलनी शुरू करी थोड़े टाइम पहले GTA ऑनलाइन, और मुझे लगता था क्या है क्यों खेलते हैं, मैंने खेलनी शुरू करी तो वो अलग ही दुनिया है, उसमें तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब
लिटरली तुम कुछ भी कर सकते हो उसमें. इसलिए तो इंडिया में लोग गेमिंग करते हैं, उनको लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं. सही में कर रहे हैं उसमें कुछ भी लोग यार. कितने कितने पैसे लोगों के पास. रियल लाइफ में बाप बीमार है, माँ विधवा होने वाली है, लेकिन GTA 6 में मैं चैंपियन हूँ ब्रो. GTA 5 में 50 गाड़ियाँ ली हुई हैं, अपना पूरा घर लिया हुआ है उसमें, ऐसे 10 गैराज में खड़ी. बट हाँ, मतलब आई थिंक एवरीबडी शुड डू गेमिंग अगर तुम कर सकते हो तो. गेमिंग इज फन. मेरे चश्मे गेमिंग भी, मैं 16 घंटे पर में. ऑनलाइन तो हमारा जमाना था ही नहीं उस टाइम खेलने का. मैं वो आती थी आपको वेबसाइट याद है, games2n.com, miniclip.com. छोड़ भाई, ये सब गेम्स थी, ये सब वेबसाइट थी. मिनीक्लिप पे पिंग क्लब पेंगुइन, क्लब पेंगुइन. मैं क्लब पेंगुइन में गाली देके 24 घंटे के लिए बैन होता था हमेशा. क्लब पेंगुइन तो वो हमारा टाइम था. मैं बोलूंगा पेडोफाइल्स आते थे क्लब पेंगुइन पे. हैं लेजिट, ये मेरे को नहीं पता थी बात. मैं तो खेलता था बस नॉर्मली. पर तुम कैसे इंटरेक्ट कैसे करता था पेंगुइन से, बच्चे तक कैसे पहुंचो करके लाइफ में, अगर सवाल पूछा जाए तो. मजे लेने के लिए. अच्छा, सिर्फ चैट के थ्रू. जैसे मैं, मेरे को पता है कि तुम उसमें हिंदी गाली देखो कोई दिक्कत नहीं. मैंने एक बार फक लिख दिया था, उसमें लिखा यू आर बैंड फॉर 24 आवर्स. उसमें मॉडरेटर्स एग्जिस्ट होते गेम में, तुम उसमें स्नोबॉल फेंक सकते हो. तब मेरे को पता ही नहीं थी कि गालियाँ लिख सकते हैं. मैं इतना छोटा था जब मैं खेलता था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने कभी गाली लिखी है उसमें. यू गाइस रिमेंबर फार्मविल? फेसबुक से खेलते थे ना, और रोज ऐसे क्रॉप्स करते थे. मेरे को बहुत सारी क्रॉप्स के नाम उससे पता चले यार, एवोकाडो कुछ होता है. मजाक नहीं कर रहा, मेरे को पता नहीं था एवोकाडो क्या होता है. मेरे को उसको देख के पता चला, अच्छा ऐसा दिखता है. और वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बचपन में जो हमें बुक्स पढ़ाई जाती थी उसमें ए से एवोकाडो नहीं दिखाते. एवोकाडो तो एक मॉडर्न फ्रूट है, अभी पता लगाएंगे हमें. यहाँ तो शायद, मेरे को नहीं लगता हमारे आसपास कहीं उगता भी नहीं. गोवा में मिलता है, गोवा में मिलता है एवोकाडो. महंगा होता, उगता नहीं, लेकिन इंपोर्ट होता है. अगर यहाँ नहीं मिलता तो नहीं, इधर भी उगता है. इंडियन एवोकाडो भैया होता है खाने में. क्या बात कर रहा है. आई डोंट थिंक सो ब्रो. ठीक है, उगता है. ठीक होता है, उगता है. कैलिफोर्निया वीगन कल्चर के अंदर हमने तो खूब कंबुचा भी पी लिया है. मैंने एक बार ब्रू करी थी कंबुचा अपनी खुद की. मैं, मेरे को लग ही रहा था तेरी बात सुन के, तो थोड़ी देर में इंग्लिश बोलता है ना, मैं समझ गया था. ये पढ़ के है ना यार. नहीं यार, बट इट वाज हॉरिबल. आई रिग्रेट इट. नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने भी कंबुचा बनाई. इट्स हेल्दी फॉर यू, इट्स यू फील गुड, बट गटवट साफ हो जाती है. But I didn't like the taste. Yakult भी तो ऐसा कुछ ही होता है. अजी Yakult probiotic. उसने क्या काजोल ने ऐड या कर लिया, हमने मान लिया हेल्दी आ रही है. मतलब ऐसा है, मेरे पापा पीते हैं Yakult, और ऐसा है हर कुछ दिनों में ऐसे Yakult वाली दीदी आती है, नीचे बेल मारती हैं. और बड़ी मस्त बात है कि वो दीदी पूरा बिल्कुल टाइम पे आएंगी, और उनको पता है कि हर घर में कितना Yakult देना है, कि यहाँ पे दो वो जाती हैं रॉड लंबी वाली, या चार जाती हैं. तो मतलब वो एक्सपीरियंस मेरे को Yakult का बड़ा सही लगा. और उनके कैलेंडर मेरे घर में बड़े लगे हुए हैं, अलग अलग एक्ट्रेसेस. कोई ऐसी Yakult पी रही है, कोई किसी और तरीके से पी रही है, अलग अलग महीने में लगे हुए हैं. फकिंग वियर्ड भाई. और वो मंदिर वाले कमरे में लगा हुआ है. Yakult कैलेंडर इन मंदिर. हाँ, घर पे किंगफिशर कैलेंडर नहीं आ सकता, Yakult कैलेंडर चलता है भाई. बंद कर दिया उसने बनाने. हाँ तो खत्म हो गया उसका सीन. दुख था वो भी. चलो बट नहीं, मेरे घर पे तो वो वाले जो जिस किराने की दुकान का होता है वही अपना कैलेंडर निकाल देते हैं कि श्रीराम स्टोर का है. हमारे यहाँ श्रीराम स्टोर है तो उसी का कैलेंडर होता है. आटे की चक्की के पेन और कैलेंडर आता था. हाँ, ये भी अच्छा होता है, लाइक लोकल मर्च, यू नो, लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आर्टिस्ट टू टेक, कि तुम कैसे लोकली इन्फ्लुएंस कर सकते हो. सच में मर्च है वैसे वो, अगर देखा जाए तो. मैं सोच रहा हूँ इस बारे में कि वो पेन उस आटे की चक्की वाले का मर्च है. तो ब्रो टेल मी अबाउट आयरलैंड. इतने लोग वापस आ रहे हैं भाई. क्या भाई, व्हाट डू यू लर्न इन आयरलैंड? नहीं नहीं, इन द सेंस कि ये क्या आवाज़ आ रही है? ओह, इट्स माय वॉच, सॉरी. 2 बजता है. क्यों, उठ जा. बंद कर दे भाई, अब तो तू आज तो सुबह का उठा ही हुआ है. बच के ही बंद. I'm sorry, I'm so sorry. कोई नहीं कोई नहीं, ये बच के ही बंद होगा. तो बट मेरी मैं ये कह रहा था, मेरी मम्मा ने भी कंबूचा बनाया था, और मैं इतना खुश हो गया कि मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया, मेरा मुँह फूल गया. इधर इधर से इसी पॉडकास्ट में मैंने दोस्त को बुला के यार कंबुचा पी, उसने कहा बियर पिला दे यार. लेकिन उसको भी कहाँ से मिली, लाइक खरीदी थी? एक कोई एक ऐसी एक औरत है जिसने उसको भी भिजवाई थी, जिसने पहले बेसिकली जूम पे क्लास दी कंबुचा कैसे बनाते हैं. तो लाइक पूरा कोर्स लिया था आंटी ने. एक बेसिकली वर्कशॉप होती है ना, एक दिन वाली, जैसे 1.5-2 घंटे की, तो वो उसको भी भिजवा देती है.
उसको भी भिजवाई, फिर उस रिकॉर्डिंग को देखा, स्कोबी से बनाया. एक बार स्कोबी आ जाता है फिर आपको जरूरत नहीं, उससे ही बनाते रहो. स्कोबी वही सब कल्चर होता है ना जिससे बनता है. यार मैंने खरीदी थी एक बार स्कोबी, और उसके बाद फिर Amazon. अच्छा मिल जाता है. इट्स ईजीली एक्सेसिबल. तो बनाया मैंने, और उसके बाद मैंने पिया और मेरे को बहुत घटिया लगा. पर तूने कभी आयरलैंड में नहीं पिया था? नहीं नहीं नहीं, आयरलैंड में है नहीं जैसे कैलिफोर्निया वाला एवोकाडो कल्चर. मतलब कि देयर इज एवोकाडो लाइक इंडिया में, आयरलैंड में भी है, बट इट्स नॉट लाइक कि ओ हेल्थ मूवमेंट नहीं है वहाँ पे इतना ज़्यादा. मतलब ऐसा नहीं है. मतलब बहुत लोग बीफ खाते हैं एंड वो तो ऑब्वियस बात है. हाँ या आयरिश बीफ इज़ फेमस. क्या ये पॉडकास्ट कैंसिल हो जाएगा? नहीं नहीं, तो वहाँ पे खाते हैं ना, इसमें क्या है. बट वहाँ पे गिनीज वगैरह भी काफ़ी चलती होगी. या, जो भाई गिनीज, भाई मैं इतना मिस करता हूँ. पर वो स्टीरियोटाइप सच है कि वहाँ के लोग गिनीज पीते हैं भाई. सच है. मतलब नॉन स्टॉप नहीं, बट लाइक इट्स वेरी फेमस, इट्स वेरी यू नो मेन स्ट्रीम. दे आर मोर ड्रंक देन द यूके पीपल, राइट? आई वुड से सो. मेरे कॉलेज में बार था तो आई वाज लाइक कि मतलब कि ब्रो, मतलब कि आई नो, मैं जब यूएसए के अंदर था, उसके बाद बाहर में चले जाओ. हाँ, हमारे यहाँ प्री गेम करना पड़ता था, बिकॉज यू नो टेक्निकली पीपल वर लाइक 21 साल का होने में बहुत समय लगता है. ओवर देयर द लीगल ड्रिंकिंग एज इज व्हाट, लाइक 16 18 आयरलैंड में? हाँ, not really sure, I think it's 18. Yeah, 18. Yeah, I think, but wahan pe it's very relaxed, right? Even like 16 year olds can drink. Kind of scene, matlab ki they'll see your ID, you can't buy it. ID culture hai wahan pe bhi. I see, interesting. Bro, how the fuck is this guy getting so much coffee? Kaise aa rahi hai ye? Are okay, no problem. Nahi, but fridge mein to sari coffee khatam ho gayi thi. Ye kya ho raha hai? Acha, samjhiya. I see. जहाँ वैसे और भी बड़ी होती है. ओ नाइस नाइस, आर्य वर्थ. इज दिस फ्रॉम लेला? लेला लेला देखा है? क्या बात है ब्रो, फकिंग ए. नाइस ब्रो, नाइस नाइस. मैं मतलब आई हैव अभी ना यहाँ पे, आई हैव टू लाइक स्टिल पुट इन स्टफ. यहाँ पे सामान वामान लगाना है. पहले बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे. आई माइट जस्ट पुट वन ऑफ दीज, यू नो. तो बेसिकली ये जो आपके हाथ में है, जो ग्रीन वाला है, वो कंस की ईपी आ रही है आर्यवर्थ करके. कब आ रही है बता दे तो अच्छा होगा. और एक हालात है जो मेरी ईपी है, ये आ रही है 7th of August को, राइट? तो इसकी ट्रैक लिस्ट है और ये सब है. तो स्वीट गॉड, नजरान जान लो, हालात मजबूर सरफिरा. नाइस ब्रो. व्हाई इज द आर्ट एनोनिमस? क्योंकि पता नहीं है कौन है वो. अच्छा, लेजेंड पता ही नहीं है. हाँ, ये तो वो वाले ना गोवा के जो हैरम पैंट वाले वो मिलते हैं. मतलब कह सकते हैं. बट हाँ, ये वाला कल्चर भी बहुत बढ़िया है. मैं जब मैं छोटा हिप्पी था ना, मैं भी ये करता था जा जाके कि यार हैरम पैंट लेता हूँ, तो मैं भी इनकी तरह ही हो गया हूँ. मैंने भी ली थी एक बार जब मैं गया था, कसौल गया था फर्स्ट टाइम. ये भी उस टाइम बाय चांस साथ था. हाँ, तो ऐसा हुआ था, उद्धव वाज देयर विद 5-6 गर्ल्स. कितनी थी लड़कियाँ? मतलब ऐसी इसकी फ्रेंड्स थी बहुत सारी. मैं गिन रहा था, मतलब ऐसे नाम नहीं ले सकता ना ऐसे. भाई बहुत मस्त था यार ये भी. इट वाज वेरी नाइस ट्रिप. तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ था अलग से. मैं, मी एंड हर्ष वर देयर एंड देन वी मेट समवेयर एंड बीच में बहुत ही मस्त बात हुई थी. मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप देखेंगे यहाँ तक पॉडकास्ट की नहीं, बट मैं बता देता हूँ. तो हमारे बैग रह गए बस में और बस चल पड़ी और हम थे मंडी में. तो जिसको पता हिमाचल जो जाता है वहाँ ना, हिमाचल में ऊपर पहाड़ों में पहुँच के बस रुकती है. जो टूरिज्म की कोई भी प्राइवेट बस हो, एक जगह मंडी में रुकती है. वो उनका अपना अपना रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ वो रुकते हैं ढाबे पे. सेटिंग होती है 8 बजे सुबह का टाइम होता है. अगर आप शाम की 7-8 बजे की बस लो तो सुबह 12-11 बजे तक आप पहुँचोगे, मनाली पहुँचोगे या बंतर पहुँचोगे. तो हमारा जी बैग अंदर रह गया, हम उतर गए, हम पीछे पीछे भागे बस के, और बस हमारे आगे आगे भाग रही है. मैं और हर्ष पैनिक में, क्या हो रहा है? चली गई बस. कहाँ तक भगोगे, बस रुकी नहीं. और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, अब क्या करें. हाँ, पैनिक हो गया. सामान भी अंदर है, जो है जेब में है कुछ पैसे, बाय चांस पैसे थे, वरना वो भी चला जाता. फ़ोन वोन सब था. किसी तरीके लोकल बस में चढ़े, फिर एक जगह पहुँचे, वहाँ पर जाके टैक्सी करी. कुछ 30-20-30 किलोमीटर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा. 3500 रुपये दे दिए टैक्सी वाले को. पता थोड़ी था. वहाँ पहुँचे, 3500 रुपये दोनों के लग चुके हैं. अब बस नहीं आए वहाँ पे. अब बस कहाँ है, हमारा सामान कहाँ है. किसी तरह बड़ा कुछ हुआ. ये भाई साहब तब तक पहुँच गए थे बाकियों के साथ. इनको हमने वेट करवाया 1-1.5 घंटा. ये उस टैक्सी में बैठे रहे जो भुंतर से कसौल लेके जानी थी, हमारी वेट कर रहे थे. ये बेचारे से परेशान कि कैसे नलायक लड़के हैं, अपना सामान भूला बैग में, कैसे पागल हैं. फिर बस आई किसी तरह. बस में हम चढ़े, बहुत गाली दी बस वाले को. हाँ. तो पीछे ना एक कपल बैठा था बस में. हाँ. अब भाई साहब, अब आप बताओ, आप अगर बस में जा रहे हो और हाँ, आपके साथ के दो लड़के जो नहीं हैं, अब
आपको थोड़ा कंसर्न नहीं होगा वो लड़के कहाँ गए, उनका सामान भी पड़ा है, वो है हाँ. नहीं था उनको कोई कंसर्न, वो खुश थे कि उनको पिछली सीट मिल गई है. राइट. तो मुझे बहुत वियर्ड लगा इस बात का. जो भी हुआ, हम सामान लेके उतरे, तो दैट वाज दैट एक्सपीरियंस कि मैं ऐसे कुर्ते लिए, ऐसे वो ढीली हैरम खरीदी, और कि जो यहाँ पे दूसरे नहीं होते वुडन बटन होते हैं जो हाँ. वो वाली चीज़ ली हाँ. और हमें तो चल, मैं तो पहले नुक्कड़ वगैरह करता था, तो हमें म्यूजिक, और मेरी मासी मेडिटेशन में थी, तो मुझे मेडिटेशन बोल का पता था. ओ, तिब्बत बोल, सिंगिंग बोल जो होता है, वो सिंगिंग बोल लेना वहाँ पे जाके. और ये जो छोटा मोटा, प्लीज डोंट यूज योर फोन यार, फोन मत यूज कर. सॉरी सॉरी सॉरी. तो ये जो छोटे मोटे कल्चर हैं, इसमें मैंने ऐसा देखा कि ये इसके गाने में अभी एक की 12वीं के बच्चे पहुँचेगा सॉल ऐसे करके बोला लाइन में. सही बात है बिल्कुल. तो मैं कह रहा हूँ ये कल्चर ना आपका वहीं तक होता है जब आप 14-15 के होते हो, आप रजौरी जाते हो और आप हुक्का पीते हो हाँ. फिर आप थोड़ा ऊपर जाते हो तो आप कसौल चले जाते हो ज्यादा से ज्यादा. खीर गंगा कोई नहीं जाता, बोलते हाँ. सब है खीर गंगा गए, कोई खीर गंगा नहीं जाता. वो सिर्फ वो फैमिली वाले लोग जाते हैं ट्रैक पे, पर वो 6 घंटे का ट्रैक भी कोई नहीं करता. एंथुजियास्ट जाते हैं, वो जाते हैं वहाँ होटल में रहते हैं अपना, 500-400 हॉस्टल में रहेंगे, वापस आ जाएंगे, शायद मणिकरण चले जाएं अगर दिखाने के गुरुद्वारे गए थे. बाकी मेरा पॉइंट ये है कि मतलब ये कल्चर बहुत जल्दी अडॉप्ट तो कर लेते हो आप हाँ. पर आपको पता नहीं होता आप कर क्या रहे हो हाँ. कसौल कल्चर तो यूं आया है और अभी तक गया नहीं है, मतलब शिट टू बी ऑनेस्ट विद यू, कसौल इज द शिटीएस्ट प्लेस. इट्स बिकम अ सिटी नाउ, इट्स अ सिटी नाउ. जब मैं भी गया था तो वहाँ लाल बत्ती थी, मतलब पुलिस वाले खड़े थे वहाँ चौक पे, ये कैसी जगह है मतलब यहीं मैं ना पीतमपुरा ना चला जाऊँ, मेरे को इतना देखना. तो द पॉइंट इज कि मैं, इट्स द शिटीएस्ट प्लेस आई हैव एवर बीन. इफ यू वांट टू गो टू सम पहाड़ एंड यू वांट टू चिल, राइट, इट्स नॉट द राइट प्लेस एंड पीपल हैव द रॉन्ग परसेप्शन अबाउट दैट थिंग. तो हाँ, मतलब ये कल्चर मेरे को तो नहीं समझ आता है कुर्ते कुर्ते वाला, तो मेरे को भी नहीं आता. आई थिंक वो जो ये मेरा एक दोस्त है एडवेंचरर है, बिकॉज वो एडवेंचरर है ना, इसलिए हम जब भी ऊपर गए हैं ना, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक रहा है. कभी कैंपिंग कर रहे हैं बहुत दूर कहीं, क्योंकि उन्होंने आपको करवाया है ना वो एक्सपीरियंस, वरना लोग तो पहुँच जाते हैं ऐसी. वो ये भी जब गए थे, मैं इनके साथ गया नहीं था, जब ये चलाल गए थे और ये इधर उधर भी ट्रैक पर गए थे, तो दे डिड दैट ट्रैक. मैं नहीं गया कभी ट्रैक पर, तो हाँ. ये क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ट्रैक करने तो गए नहीं थे हम लोग. हाँ. पता नहीं, मैंने तो नहीं. आदमी ठंडी हवा खाने जाता है पहाड़ के. इतना पोल्यूशन है यार दिल्ली में. हाँ, आई डोंट नो, अभी भी मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐसी भीड़ भरी हुई हिमाचल प्रदेश में लोगों की गाड़ियों का प्रवेश करने के लिए. अभी इस टाइम करना ये बहुत गलत था, अभी नहीं करना चाहिए. मतलब अभी इतना कोविड गया नहीं है. हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम डेरिंग हैं, पर फिर भी मतलब आई गेस हम सब तो चलो ठीक हैं कि हमें पता है कि हम सेफ हैं यहाँ पे और हम घर पे रह रहे हैं. अपने माँ बाप का भी हमें टेंशन है कि हमारे माँ बाप को ना हो जाए. वो नहीं मेरे को समझ आता जो बच्चों को लेके मनाली चले जाते हैं गाड़ी में. अभी जैसे माँ बाप भी गए हैं उनके साथ, वो माँ बाप कौन है मेरे को नहीं समझ आता. वो कल्चर है ना कि चलो मरेंगे साथ में, मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. क्या बोलते हैं, तुमने सोलन का हाईवे भर दिया, आपने फोटो देखी होगी, वो पूरा हाईवे भर गया है वो. हाँ ब्रो, मैंने मतलब आई नो कई सारे लोग पूछ रहे थे, मैंने भी एक दूसरे का फ़ोन करा था, मेरे को दोस्त जाना चाह रहे थे और होटल्स को ना दोगला मैसेज दे रखा है, आपको अगर उनको हड़काओगे तो आपको सच बोलेंगे हाँ सर रूम, नहीं तो मना कर देंगे. बिकॉज इनकी भी फटी हुई है जो पूरा संसार आ रहा है दिल्ली का यार. exactly. कि हम तो पागल मर रहे थे घर के अंदर, प्लीज हमें ले लो अंदर हमें, और वहाँ ख़राब कर देंगे वो जाके वहाँ के लोगों को. बड़ा लाइक पहाड़ी पीपल ब्रो, दे आर वेरी नाइस, दे नो हाउ टू ट्रैक, दे वॉक अ लॉट. यस, इट्स अ वेरी एन्जॉयबल कल्चर. मैं एक चीज़ और है, देर इज समथिंग बट पार्वती वैली, कि वहाँ पर जाके ना आप को ऐसा नहीं लगता, आप दारू भी पी लो कुछ भी कर लो, यू डोंट फील लाइक यू आर इंटॉक्सिकेटेड एट ऑल. कुछ है वहाँ पे. मैं कभी वैली तक गया नहीं, मुझे ऐसा लगता है. तो कसौल से वापसी हो गई, गंदी जगह थी ना, बता दे रहा हूँ क्यों गए थे. उसके बाद आई वेंट टू ओल्ड मनाली, दैट्स अ बेटर प्लेस. ओल्ड मनाली इज नाइस, इट्स ब्यूटीफुल. आई विल से कि वहाँ पे जाना, वहाँ पे घूमना, वहाँ के आई डोंट नो रिवर साइड बैठना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप हाँ. क्योंकि हमारे जैसे दिल्ली वाले लोग बहुत, मैं तो प्रिविलेज मानता हूँ अपने आपको कि मैं वहाँ बैठ पाया और शोर नहीं था मेरे आसपास, और मैं सिर्फ पानी का शोर, पानी ही मेरे लिए शोर था बेसिकली उस टाइम पे. दैट वाज द मोस्ट ज़्यादातर साउंड जो मैं सुन पा रहा था. देयर इज दिस प्लेस आई वेंट टू कॉल्ड लैंडोर, अगर तुमने सुना हो, मसूरी से ऊपर है कंटोनमेंट. डस्किन बॉन अपने ठिकाने बदलता रहता है, कभी देहरादून रहता है, कभी मसूरी, अब वो वहाँ रहता है. मैं बचपन में धनौल्टी जाता था, वो भी मसूरी के ऊपर ही है. हाँ, वो भी बड़ी अच्छी जगह. धनौल्टी इज ग्रेट. तो ये जगह थी ना, आई वेंट देयर ब्रो, लाइक एक कैफे है, सारे पुराने एंग्लो इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं, चिल सीन है. यू डोंट मतलब तुम्हें वहाँ पे सिविलाइजेशन से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पर इट्स अ डोप प्लेस है ना. मैं सोचता हूँ खाली, जैसे अब हम ऊपर कितनी बात करते हैं, स्कूल में सब लोगों ने रस्किन बॉन्ड पढ़ी थी, उसकी कौन सी वो ब्लू अम्ब्रेला या कौन सी किताब, नाइट ट्रेन एट दिल्ली. हाँ, नाइट एंड देवली, राइट राइट राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो भी थी. इट हैड अ सेक्स सीन मैन, एवरीवन यूज्ड टू टेक दैट बुक एंड नाइट एंड देवली में सेक्स सीन था. हाँ, ये क्यों नहीं था यार, मैंने तो नहीं पढ़ी है वो. मैंने भी इसीलिए याद है ना, करिकुलम मैंने भी नहीं पढ़ी. अरे यार, पर रस्किन बॉन्ड हमारे स्कूल में रूम, आई रिमेंबर दैट, आई रिमेंबर दैट.
उसने अभी रिसेंटली बोला मैं तो बैचलर रहा हूँ पूरी जिंदगी, kind of felt sad for him. इतनी किताबें लिखी, I mean, हाँ मतलब बंदियाँ तो होंगी ना. I like Roald Dahl. Roald Dahl लाइब्रेरी में पढ़ी रहती थी बुक्स. लाइब्रेरी पीरियड कैसा होता था स्कूल के अंदर? कौन लोग यहाँ पे लेजिट पढ़ते थे और कौन लोग बकचोदी करते थे दोस्तों के साथ? मैं पढ़ता था. मैं वो पढ़ता था जो वो तुम्हें याद है बायोलॉजी मैगजीन्स मिलती, नहीं नहीं मैगजीन्स मिलती थी ना टेक्नोलॉजी वाली, वो जो अलग अलग गैजेट्स आते थे वो पढ़ता था. मेरे को वो लोग बड़े अजीब लगते थे. मैंने कहा यार ये न्यूज़पेपर वाली जनता अलग की खड़ी हुई है, हम तो यार मैगजीन्स पढ़ेंगे जो लेटेस्ट आया हमें इन किताबों से. नहीं हम ले सकते नहीं थे तो देखते थे ना क्या क्या टेक्नोलॉजी आई है, क्या पता अच्छा दुनिया यहाँ तक पहुँच गई है. मैं ये देखता था भाई क्या मैगजीन कल्चर होता था यार, जो मतलब नए नए गैजेट्स नए नए परफ्यूम्स ऐसे सेलिब्रिटीज मैगजीन्स के अंदर भरे रहते थे. हम बोलते थे दिस इज द लाइफ. रिमेंबर ब्रंच मैगजीन? हां ब्रंच. उसमें लास्ट में एक सेलिब्रिटी का वो इंटरव्यू आता था एसटीसी लास्ट सिटी फेवरेट परफ्यूम फेवरेट दिस दैट. मैं कल कल वो कैसे आपका वो बड़ा कैसे बोलते क्या कहते हैं उसको, आप कैसे आए थे आपका फर्स्ट ब्रेक क्या था, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी छोटे 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 आंसर्स सारा, मतलब पूरा एक डिटेल्ड इंटरव्यू होता था बट एक पेज पे सिंगल पेज पे. एंड आई यूज्ड टू वेट फॉर दैट कि किसका आएगा. Your parents still read newspapers? अभी आते हैं सबके घर पे? What is that like seeing वो culture? तुम do you guys pick up newspapers yourself? No. Nails काटने के लिए. क्यों? बार आसान होता है ना, नहीं तो जमीन पे कुछ चल रहा होगा नंगे पैर उसको लग जाएगी. I just use a normal A4. अच्छा तू प्रिंटर वाले निकाल कर लाता स्पेशली? पड़े रहते हैं ऐसे रूम में तो I just use them. हाँ दैट्स क्रेजी ब्रो. नेल काटने का कल्चर भी एक अलग ही है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है नेल काटने का. मैंने तो कभी ऐसा पेपर यूज ही नहीं किया, मैंने तो बालकनी में काटे तो. अच्छा नीचे चले गए किसी और के जिंदगी बता रहे हैं. नहीं बालकनी में गिरे होंगे तो वो साफ हो जाएंगे ना. अच्छा आई थिंक सो, आई डोंट नो, मे बी. फेयर इनफ फेयर इनफ. मैं कभी किसी के ऐसे राह चलते नाखून पर नहीं चढ़ा क्योंकि मैं भी इसी की तरह ही करता हूँ, मैं भी न्यूज़पेपर पे ही काटता हूँ. काफी वियर्ड एक किड्स नेक्स्ट डोर एक कार्टून था उसके अंदर किड्स नेक्स्ट डोर के अंदर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और उनके जो दुश्मन थे ना डिलाइटफुल चिल्ड्रन डाउन द लेन अगर याद हो वो ना उनका एक एपिसोड के अंदर मैं देखे डिस्गस्ट हो गया था. उन्होंने ना उनसे किड नेक्स्ट डोर से बदल लेने के लिए एक जार के अंदर अपने सारे नाखून इकट्ठे कर रहे थे साल भर के जो उन्होंने नहीं काट जो काट के रखे हुए थे कि ये मारेंगे तुम पे. एक मैंने रेडिट पे फोटो देखी थी, एक पेरेंट ने ना अपने बच्चे के जितने भी मिल्क टीथ थे ना सारे इकट्ठा करके रखे हुए थे इतने सारे मिल्क टीथ. बस ये बता रहा था. एक औरत ईबे पे अपना वजाइनल यीस्ट बेचती है. सो आई मीन शिट कैन गेट प्रीटी वाइल्ड. शुड हैव कम हियर इन दिस पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन. यार लड़कियां अपनी पैंटीज बेचती हैं इसका क्या सीन है यार? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट. आर यू सीन? आल्सो नेवर हर्ड ऑफ दैट. Used, but obviously used. But there are some people who like to sniff panties. No, that's a thing. Yeah, मतलब वो तो हाँ सुना है मैंने भी. Auction पे, which is weird. Joe Rogan के podcast पे एक बंदी आई, who's a dedicated journalist, who says she does OnlyFans. Wow. Yeah. मेरे को पता चला है कि बहुत सारे बाहर की LA models YouTube से start हो गए OnlyFans पे रुक जाती हैं जाके. Because it's so much money, bro. पैसा ही थोड़ी सब कुछ होता है यार. मेरे को ये बात समझ नहीं आती ना. वहाँ का कल्चर अलग है. उनकी मर्जी है सही बोलो तो. बट ओनली फैन यार सही है बढ़िया है ब्रो. मतलब आई नो फॉर अ फैक्ट सो समवन हु यूजेस इट टोल्ड मी कि उसके अंदर ऐसा है इफ़ यू आर कॉट डाउनलोडिंग द पिक्चर दे हैव योर क्रेडिट कार्ड ऑन फाइल. तो इफ यूर कॉट डाउनलोडिंग द पिक्चर तुम्हें $10,000 का फाइन चढ़ जाता है उस पर स्क्रीन शॉट लेने पर कुछ भी करने पर. वो उनका ट्रैकर ऐसा है सो दैट प्रिजर्व्स द प्रिवेसी ऑफ द क्रिएटर. क्रिएटर ही हो गए ओनली फैंस वाली. आई कैन टेल यू कांट डाउनलोड एनीथिंग व्हाट यू बट आई कैन टेल यू अ वेबसाइट जहां पे आपको सबका ओनली फैंस का कुछ भी मिल जाएगा. सो आई डोंट नो हाउ दैट गॉट देयर बट देयर इज अ वेबसाइट एंड आई थिंक तुम्हें से किसी को पता होगी वो वेबसाइट. क्यों लोगों की रोजी रोटी काट रहे हैं? छोड़ना ओके कूल. उनका रेवेन्यू कट जाएगा यार. मैं कुछ नहीं बोल रहा. सपोर्ट कंटेंट सबका नहीं मिलेगा वैसे मेरे हिसाब से. I'll just say you'll probably find the famous ones over there. So जो underground जो बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं. You're talking about the fappening, bro. जो OnlyFans बिल्कुल ऐसे underground scene में होंगे ना OnlyFans के. उनको कोई दिक्कत. Underground, bro, जो अभी. मतलब समझ रहे हैं मतलब जो बहुत मेहनत करते होंगे. Just saying. That's crazy, bro. यार इसमें there is a song called Aryavart, right? वो इसकी EP. No, the album. That's the name of the EP. Right, Aryavart interlude. Yeah. आर तुम्हें पता है ना आर्यवर्त का लाइक व्हाट इज द इंप्लिकेशन दैट यू हैव फॉर आर्यवर्त? इट्स इट वाज द नेम ऑफ इंडिया वंस. एक सीरीज है लीला करके हुमा कुरैशी उसके अंदर भी दे कॉल्ड आर्यवर्त राइट. बट आई थॉट लाइक इट्स बेस्ड ऑन दैट. नो इट्स नॉट बेस्ड. अच्छा सुपर कूल ब्रो. इट्स अ वेरी चूतिया शो यार. यू डोंट लाइक इट? आई सॉ लाइक हाफ एपिसोड. मेरे को तो बढ़िया लगा. मतलब मेरे को लगा उसके अंदर दे यूज द कास्ट सिस्टम व्हिच इज सुपर कूल. रूपांतर कभी कभी टिप्सी उस बैटरी 32 OTM कबीर गैंग
He's from Damn. UP. So like, many monikers here, bro. Like, do people not just go by their regular names, like Rahul? Some people do. Udbhav. Karan. That's crazy. It's dope, bro. Aur kya kya hai is merch ke andar? Just these posters for now? This is not merch. Ye sab merch nahi hai. Matlab ye aise hai ki abhi jo naya aa raha tha wo hai. Abhi we had a listening session for both of these EPs at FTC. COVID ki second wave se pehle. But we never released the EP abhi tak. हाँ दोनों ही पीज़ रिलीज नहीं हुए अभी तक तो ये बस वी जस्ट गिविंग इट वाज फॉर दैट इवेंट आई सी या पीपल आर लिसनिंग तो क्या चल रहा है कौन सा गाना आने वाला है सो इट वाज लाइक अ वन टाइम लिसनिंग सेशन जिसमें एक एक बार गाने चले सारे एंड पीपल लव्ड देयर जो वही कुछ 50-60 लोग थे वहाँ पर योर फ्रेंड्स मोस्टली आई विल से कुछ फ्रेंड्स थे कुछ 10-15 हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं रेगुलरली बाकी आई विल नॉट कॉल देम फैंस मे बी लिसनर्स जो हमें सुनने आते हैं राइट सो एज योर फ्रेंड तुम्हारे दोस्तों का परसेप्शन चेंज हुआ है नाउ दैट यू बीन प्रोड्यूसिंग म्यूजिक फॉर सो लॉन्ग कैसे दे डोंट लाइक यू दे लव यू मैं एक मस्त बात बताऊंगा बाल भारती के बच्चों के बारे में कि बाल भारती के बच्चों ने फॉलो करना शुरू कर दिया थिंकिंग कि हाँ भाई पहले से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हाउ आई वाज एंड हाउ पीपल न्यू मी वट एवर इट वाज बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड फॉलोइंग यू ऑन इंस्टाग्राम एंड आई सी दैट कि भाई लोगों को दिख रहा है सच में कि वी आर डूइंग समथिंग वी आर मेकिंग म्यूजिक तो आई गेस इट हैज़ चेंज नॉट इन माई फ्रेंड्स आई विल से बट द पीपल आई डोंट नो एक्विंटेंसेस कह लो स्कूल के बैचमेट्स कह लो जूनियर सीनियर्स कह लो वो सब के उनके दिमाग में ज़रूर कुछ चेंज हुआ होगा हम तीनों को लेके जो भी हमें पर्सनली जानता होगा स्कूल में इसको जानता होगा स्कूल में एज उद्भव इन स्कूल एज करुण एज राघव जैसे हम स्कूल में थे यार पता है हमने ऐसे काम मतलब हम कर रहे हैं हमें उतना पता नहीं चलता कि हमारा इम्पैक्ट क्या बन रहा है लेकिन अपेरेंटली बनता है बहुत इम्पैक्ट होता है मतलब जैसे मेरा एक पुराना दोस्त है उसने मेरे को मैसेज करा ब्रो आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि वो ना कनाडा जा रहा है पढ़ने के लिए राइट तो उसकी कोई एक दोस्त बनी होगी बैचमेट उसकी तो ही आस्क्ड हर फॉर न्यू म्यूजिक एंड शी सेंट काफ़ी ज़्यादा ओह दैट्स क्रेजी एंड ही वाज लाइक मैन लाइक आई वाज लाइक फक मतलब सही है यार तो था उसको वो उसका वो तो मौका होगा ना बोलने का मेरा दोस्त ही है ये फिर धीरे धीरे जैसे बचपन में भी हम करते थे तब कुछ लोग थे जो कहते थे अब क्या करेगा लेकिन फिर अब हो रहा है धीरे धीरे आई गेस एक बहुत सिंपल सा मैंने वो देखा था इंस्टाग्राम पे पोस्ट था पीपल पता नहीं मैं बहुत बार बता चुका हूँ चीज़ें लोगों को ये कि पीपल आई डोंट नो दे सपोर्ट यू और दे आई डोंट नो फीचर यू समवेयर व्हेन दे नो इट्स कूल टू डू दैट राइट राइट सो नाउ आई थिंक पीपल नो दैट यू आर मेकिंग समथिंग तो ऐसा ना ऐसे मैंने क्लब हाउस पे वेव देखी है हालांकि मुझे नहीं होना चाहिए वहाँ पे जब हमारे बारे में बात हो रही है बहुत वियर्ड हो जाता है कि मैं बैठा हूँ और तीसरी दुनिया हो रहा है हर दो दो तीन तीन मिनट में कोई ना कोई बच्चा आ रहा है ऊपर से नीचे भैया बिग फैन भैया ये गाना सुना भैया तीसरी दुनिया भैया कुछ बोल के दिखाओ भैया ऐसे बोलो अरे क्या भाई क्या तो मतलब बेसिकली लिविंग दैट साइड आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि नाउ आई हैव हर्ड सो मेनी थॉट्स अबाउट लाइक अबाउट अस फ्रॉम सो मेनी पीपल अलग अलग जगहों से कि मुझे पता चल रहा है जो बात कह रहे हैं इम्पैक्ट की कि इट इफेक्ट्स पीपल एंड मतलब उनकी थिंकिंग भी चेंज होती है एक तरीके से मतलब मुझे ऐसा लगता था पीपल हु लिसन टू अस इट्स नॉट लाइक अ फेज सो पीपल हैव टोल्ड मी कि वो एक एक डेढ़ डेढ़ साल से हमें सुने ही जा रहे हैं दे कैन नॉट गेट ओवर इट मेरे को ये पॉइंट लगता है म्यूजिक का म्यूजिक इज थॉट एंड म्यूजिक कैन चेंज थॉट्स या इट कैन दैट्स हाउ म्यूजिक शुड बी यूज्ड आई थिंक वी हैव दैट पावर कि हम कर पाएं लोगों को इन्फ्लुएंस कि लोग उस तरीके से सोचे मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत ही ऐसा कुछ इतना वो नहीं है कि आप इस बात को अपने दिल से लगा लो कि मैंने कुछ गाना सुना बॉलीवुड में या मैंने कुछ ऐसा कमर्शियलाइज्ड म्यूज़िक सुना पर से तो मैं वैसा सोचने लग गया कि सिंपल एग्जांपल चार बोतल वोडका वाला आई डोंट थिंक लाइक दैट आई वोंट गो आउट ऑन अ स्प्री एंड ड्रिंक ऐसा नहीं होता मेरे साथ बट आई एम सेइंग कि जो स्पेसिफिकली म्यूज़िक ऐसा होता है जो आपके माइंड को इफेक्ट करे जैसे आप कह रहे थे आपने मृत्यु सुना और आपको गूज़बम्स आया आपको कुछ फील हुआ तो ऐसा म्यूज़िक सुन के अगर आप किसी चीज़ के थ्रू जाते हो और वो 5 मिनट बाद अगर आप एक डिफरेंट इंसान हो तो मेरे को लगता है पर्पस फुलफिल हो गया कि हमने right. बना दिया कुछ ऐसा कि मैंने आपके वो 4 मिनट 3 मिनट आपको हिला दिया राइट right. कि आपने वो चीज़ सोची एंड यू लाइक कि वाह ये कैसे सोच रहा है मुझे हसन रहीम को सुन के ऐसा लगता है who's हसन रहीम इज़ अ पाकिस्तानी पॉप आर्टिस्ट आई विल से और अ म्यूजिशियन आई विल से ही इज टू गुड ही नोज हाउ टू मेक अ सॉन्ग ही नोज कि क्या चाहिए कि वो गाना ऐसा हो कि आप एक बार तो सुनोगे ही नहीं आप सुनोगे 10 बार वो ही नहीं सकता कि हसन रहीम का गाना एक बार सुनो मैं मान ही नहीं सकता या तो आपका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होगा चलो मान लिया कि आपको हसन रहीम टाइप का म्यूजिक नहीं पसंद एग्रीड सम पीपल डोंट इवन लिसन टू हसन दैट्स ओके राइट बट द थिंग ही हैज दैट
मास्टर कर लिया है पता नहीं क्या करा, या ही इज़ टू गिफ्टेड, आई डोंट नो, बट उसमें वो पकड़ है वो चीज़ की, तो मैं बोलूँगा कि उसने बहुत अच्छे से वो चीज़ मास्टर कर लिया, हाउ टू मेक दैट एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल विद हिज म्यूज़िक व्हाट ही हैज़ डन. सो आई जस्ट से कि वी हैव दैट पावर एंड समटाइम्स वी डोंट रियली यूज़ इट. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, बट मेरे ओपिनियन में है, और हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए. मतलब समझ रहे हो, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं बना देना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट दैट यू हैव टू मेक टू मिनट्स ऑफ दैट, राइट? फिलर नहीं करना कुछ भी. आई थिंक इट शुड बी मीनिंगफुल. एज क्रिएटिव्स वी हैव सो मच पावर, वी डू, टू प्लांट लाइक टू एक सीड ऑफ एन आइडिया, सीड ऑफ एन आइडिया प्लांट करना, एक हां. वैसे भी म्यूजिक इज द मोस्ट एक्सेसिबल ऑफ लाइक अपार्ट फ्रॉम इमेजेस, राइट? इमेजेस तो सीधा दिख जाती है, म्यूजिक तो हमें सुनना पड़ता है, लाइक एंड देन यू गो थ्रू बुक्स और हाई प्रोसेसिंग, पॉडकास्ट और हाई प्रोसेसिंग, राइट? ये व्हाट यू से अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो ट्रू अबाउट स्टोरीज, राइट? तुम एक कहानी सुनते हो, तुम पॉइंट ए पे होते हो, जब तुम कहानी खत्म करते हो तुम यू नो यू ट्रांसफॉर्म, राइट? लाइक इन दिस कॉन्वर्सेशन ऑल्सो वी स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग, राइट? जो सुनेगा ही इज ऑल्सो गोना गेट ट्रांसफॉर्म्ड, माय गॉड. बट लाइक डू देन यूज दैट फीडबैक एज वेल, कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए वाला फीडबैक तो नहीं मैं कभी लेऊंगा, ना ये लेते होंगे कि क्या करना चाहिए हमें. सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मतलब एक अगर एक क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स लेते हैं, यू यू ऑल हैव स्पॉटिफाई प्रोफाइल्स, राइट? सम सॉन्ग्स हैव यू नो 10,000 20,000 लिसंस, सम ओनली हैव 2,000. डज दैट अफेक्ट यू? नेवर अफेक्टेड, आई थिंक सो. मेरे को ये बुरा लगता है कि हर गाने में उतनी पावर है. आप ये गाना चल गया बस, स्पॉटिफाई एल्गोरिथम ने उठा लिया, आप वही सुनने जा रहे हो. Exactly. सारे गानों में मैंने सारे गाने उसी उससे बनाए हैं, राइट? तो आप सब सुनो, सब में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा. लेकिन वो धीरे मतलब धीरे करके होता है शायद. ये बात ऐसी है कि हमारी स्पॉटिफाई में मैं आपको देखूँ, जैसे हम तीनों का क्या है ना, हमारा सारा म्यूजिक यूट्यूब पे एक ही उससे जाएगा, क्योंकि हम तीसरी दुनिया ही, राइट? मैं हूँ करुण, मैं मानता हूँ, बट मैं तीसरी दुनिया हूँ. मैं ये नहीं बोलूंगा मैं अलग अलग हूँ, वही है, उसी का पार्ट है. सो अगर हम सबका म्यूजिक एक जगह पे जा रहा है एंड इफ इट्स डिफरेंशिएटेड ऑन स्पॉटिफाई, तो जो ऊपर के चार गाने आपको दिखता है, मेरी प्रोफाइल खोलोगे फितूर दिखेगा. जो भी मेरे को सुनता होगा ना, उसने फितूर पक्का सुना होगा, राइट? और अगर किसी ने नहीं सुना तो वो ओजी लिसनर होगा, जो साउंड क्लाउड से आया होगा प्रोबेबली, जिसने ऐसे खंगाल के देखा होगा ना गाना. जो हमारी डिस्कोग्राफी खोल लेता ना अच्छे से, जो 100-150 गानों में घुस जाएगा कि क्या बनाया है इन्होंने, तो आई गेस उसको एक अलग परसेप्शन होगा उसका हमारे म्यूजिक को लेके, कि व्हाट वी आर मेकिंग. एंड इफ यू लिसन टू अस बाय गोइंग कि ये व्यूज हैं, ये प्लेज हैं, लाइक थिंकिंग अबाउट शांति एज अ सॉन्ग, राइट? इफ यू जस्ट गो एंड लिसन टू शांति और हिज काफ़ी ज़्यादा मेरा फितूर, इसका जिंदड़ी सुन लो, या इसका तू सुन लो, अभी जिसका सपना आया ऐसा कुछ सुन लो, इसकी एल्बम सुन लो जो आई थी, तो अगर आप सिर्फ वही सुनोगे वो चुनिंदा गाने आपके, तो आई डोंट थिंक सो आप हमें पहचान पाओगे. अभी ना एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है तीनों की, टेस्ट ऑफ उद्भव, टेस्ट ऑफ करुण, टेस्ट ऑफ कंस करके. हमारे तीसरे दुनिया का जो स्पॉटिफाई है वो काफ़ी खाली है. एक ही गाना है उस पर आ जाना जो हमने रिलीज करा था, तो बाकी सारे गाने हमारे में बटे हुए हैं. तो उसकी जगह हमने सोचा व्हाई नॉट जस्ट गिव आउट 10 सॉन्ग्स ईच, जो हमने खुद सोचे हमारे लिए. इसने अपने 10 गाने बताए, दिस इज माय, दीस आर माय 10 बेस्ट ऑफरिंग्स, मतलब हाँ कि आप हमें पहचान लोगे इसमें कि मैं हूँ ये 10 गाने. इसने अपना टेस्ट दे दिया बेसिकली, वही मतलब ये है कि मेरा टेस्ट है कि मैं क्या हूँ, राइट? तो मेरे वो 10 गाने की मैं क्या हूँ बेसिकली, तो वो प्रोबेबली सुन के अब ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे कि हम क्या है, रादर देन लिसनिंग टू द सॉन्ग्स विच हैव मोर प्लेज, बिकॉज दैट डजेंट डू जस्टिस. इसने एक बार लाइव में भी बोला था, परफॉर्म कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा बजा. उससे पहले ही बोलता, हाँ अब तो सब चीख हो गई, अब तो सब चिल्ला हो गई, अब बड़ा गाना जो बज रहा है जो सबने सुना हुआ है, अब तो हिट गाना बज रहा है ना, तो सब चिल्लाएंगे एकदम से. नॉर्मल गाने का किसी 6 मिनट का गाना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे हम लाइव, क्योंकि लोगों में इतना पेशेंस ही नहीं होगा, लोग सुन पाए वो गाना. एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लेस होना चाहिए जब हम वो 6 मिनट का गाना परफॉर्म कर पाए किसी दिन लाइव. हैव यू रेड अबाउट this concept of collective unconscious? Bro, I'm a big fan of Carl Jung. So, like, मेरे को ऐसा म्यूजिक में भी लगता है, हर एक फील्ड में होता है वैसे दोल, कि जो सब कुछ पहले से चल रहा है एक स्ट्रीम, तो ज़्यादातर जो म्यूजिक होता है, कंटेंट होता है, इट्स सॉर्ट ऑफ बेस्ड ऑन व्हाट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. इट्स ऑलरेडी इनसाइड यू. यस. सो इफ एनीवन ट्राइज टू डू समथिंग न्यू और यू नो क्रिएट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, इट्स अ बिट difficult for people to absorb, right? Because like it's easier for people to get into something that's already familiar to them, right? Ab jaise Nusrat ka cover karega Rahat, covers to aa rahe hain, matlab yaar ki jaise naye gaane bhi aate hain, it's like a
देर आर डिफरेंट किसी की तरीके का देर आर डिफरेंट प्रीसेट्स ऑफ सेम विद पीपल लाइक पर्सनैलिटीज देर आर प्रीसेट्स ऑफ पर्सनैलिटीज देर आर प्रीसेट्स ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट वेन समथिंग समवन tries to do something new it's it makes a lot of people very uncomfortable people can't even look at you people can't absorb you because it's you know it's not familiar to them and they're scared dar jaate hain log sach mein right so I think I don't think they are afraid of it I think they just reject it because it's way too out of their right so normal comfort zone mein nahi hon I perceive that as being you know Afraid, I don't know. Maybe. I think as you innovate more, जो लोगों का जो bandwidth था ना सुनने का वो भी increase होता है. Right? Like, let's talk about rap. We talk about Honey Singh, right? So we already knew कि rap का मतलब ये होता है basic rhyme कर लेना और banger बजाना. But that shifted when we had rap in India. It's shifting now when you guys are here. It's gonna shift more in the next 10 years, right? तो लोगों का palette expand हो जाएगा. अब अपने personal struggles के बारे में बात करना गाने के अंदर एक आम बात है, right? It's become normal now. Yes. But back then, that was another thing. Same with 90s rap, right? सब कुछ same beat के ऊपर चल रहा है. Now it's about flexing and all of that. That definitely shifts. It goes into the whole discussion about ki, like when you, जैसे मैं दिल्ली हाट के अंदर था, I was with someone और हम लोग कहीं जा रहे थे, and दिल्ली हाट के बीचों बीच ना कुछ सूफी कवाली म्यूजिशंस गा रहे थे. तो एक चीज़ होती है कि सुनना नुसरत का और बोलना वाह क्या बढ़िया. एक होता है लाइव वो सुनना उनकी रेस्पी आवाज़ के साथ. तो देर इज़ अ होल कल्चर ऑफ कि अगर तुम सुन रहे हो तो तुम्हें पूरा सुनना पड़ेगा, और अगर तुम सुन रहे हो तुम्हें बैठ के उनकी हर एक बात को शिद्दत से सुनना पड़ेगा. तुम ये नहीं करते जाते जाते हाँ बढ़िया है ठीक है, बिकॉज आई थिंक ये जो सारा सीन होता है ना कि द आर्टिस्ट वांट्स रिस्पेक्ट, आई थिंक इट्स ट्रू. आई थिंक इट्स वैलिडेटेड. यू कांट एक्सपेक्ट कि यू नो बस तुम आर को एक कर्सरी लिसन दे दोगे थोड़ा सा टेम्प्रेरी कि हाँ बंदा बजा रहा है एंड देन वॉक अवे. बिकॉज अ लॉट ऑफ आई नो हाउ हार्ड इज टू मेक म्यूजिक. हालांकि यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ आउटपुट, बट इट्स लाइक यू आर पुटिंग अ पार्ट ऑफ योर सोल इनसाइड द सॉन्ग, राइट? इट्स नो जोक. It is no joke to just say ki yaar maine gaana bana diya sun lo, sunna to nahi suno. I don't know about respect. I would personally just want acceptance. Like people would accept my thought and you know be receptive to that thought. That is a basic, that is enough for me as an artist, right? Like with poetry also, matlab what I see on Instagram, because I also make poetry, so a lot of it's like it's going to be okay. अफर्मेटिव पोइट्री होती है बहुत ज़्यादा, एंड देर इज नो, सो व्हेन आई राइट पोएम्स देर इज ऑलमोस्ट नो स्कोप फॉर लाइक नेगेटिव इमोशन, यू नो. और पीपल आर लाइक यार ये तो उसने ऐसी वाली बात लिख दी है, और इट हिट्स देम, इट मेक्स देम अनकंफर्टेबल, बिकॉज तुम्हें एक आर्ट फॉर्म के अंदर ऐसा इमोशन मिल रहा है जो तू प्रीसेट की बात कर रहा था, दैट पीपल आर नॉट यूज टू रिसीविंग, यू नो. व्हेन लाइक व्हेन एमसी स्टैन स्टार्ट्स यू नो लाइक सिंगिंग एंड सेइंग स्टफ दैट रैप इज नॉट यूज टू, पीपल आर लाइक अरे यार ये क्या है मेरे को नहीं जानना. But it's you're kind of rejecting a part of yourself when you do that. Another thing with this is ki when you do something which is non-preset type, then you kind of create your own preset, and eventually it also becomes a preset. Right. So like you can't run away from presets. Someone That's else true. Will copy you after that. Form. It is form, right? Yeah. You have to apprentice to form. Yeah. So yeah. Cool. Talking about more stuff. Do you guys listen to rock? Fans of rock? थोड़ा बहुत बीटल्स या पिंक फ्लॉयड. इंडियन रॉक बीच बॉयज इंडियन रॉक एक बैंड बताया था खतरनाक क्या था भाई एक सेकेंड भयानक मौत क्रेजी वाला भयानक मौत पुराना था ब्रो. Atomic Forest is अच्छा वो तो not really Indian. अरे यार Atomic Forest Indian cover band है. They're both Indians, but they don't live in India. I think कौन Atomic Forest. Atomic Forest was a band in the 70s. But did they exist in India? I think they were foreign. I'll tell you what Atomic Forest. तो Led Zeppelin के जो lead singer और guitarist थे Jimmy Page and Robert Plant, they both came to India to fuck some prostitutes and play some music. They found these guys in a club. ये लोग खुश हो गए वाह हमारे बाहर के ये देवता यहाँ पे आ गए हैं. दे ऑल जैम टुगेदर. अटोमिक फॉरेस्ट का जो लीड सिंगर था उसकी दादी माँ एक क्या बोलते हैं पिंप थी. Damn. जो वो होती है मेन पिंप होती है एक कोठे के अंदर.
मैंने तो सुनाया वो एटॉमिक फॉरेस्ट. हां, वो कोठे के बेसमेंट में प्रैक्टिस करते थे. दे प्लेड साइकेडेलिक फंक, सारे बाहर के गाने वगैरह. यस. एंड देयर लीड सिंगर वेंट ऑन टू बिकम लाइक एन आइकॉन इन द साउथ. उसने पूरी एक जीसस के ऊपर एल्बम निकाली थी, जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार. डैम. और मेरे को ये सब नहीं पता था भाई, तो सुननी पड़ेगी. बहुत क्रेजी है. मैं ऐसा लगता है कि इंडियंस इंग्लिश में गा रहे हैं, वो बड़े लड़के ही हैं, बहुत बहुत छोटे ही हैं वो जो वो गा रहे हैं. और एक पोएट जिसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, जीत ठाइल, वो भी उनके लिए कुछ समय तक गिटारिस्ट था. तो ये दीज गाइज यूज टू, देर दी ओनली साइकेडेलिक रॉक ऑफरिंग फ्रॉम इंडिया एवर. उसके बाद से आई डोंट थिंक एनीवन हैज एवर कम क्लोज. अब जो रॉक बैंड्स आते हैं इंडिया के अंदर, लाइक देर आर सो मेनी, एज वी कीप सर्चिंग, अद्वैता, इंडियन ओशन, वो थोड़े और फ्यूजन में चले जाते हैं. हु एल्स? परवाज. हैव यू गाइस लिसन टू परवाज? परवाज इज द, ये लोग, यू गाइस वुड लव देम. दे आर ओल्डर देन यू, बट उनकी एक एल्बम आई थी बरान. ये सब दे आर वेरी इंस्पायर्ड बाय सूफी, बट दे मेक ग्रेट गिटार बैंड म्यूजिक. ये बैंगलोर में देयर इज वेन्यू कॉल्ड बी फ्लैट, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल अराउंड. बी फ्लैट, हमिंग ट्री वगैरह, लाइक बिग बिग उनके कॉन्सर्ट वगैरह वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते थे. यार एक गाना था ना शाम तन्हा, शाम तन्हा. परवाज का? नहीं, आई डोंट नो. इट वाज, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द बैंड, बिकॉज़ मैंने एक ही गाना सुना उनका, बट इट वाज रियली गुड. या बैक व्हेन वी वर यंग, टू बैड विद नेम्स. या ब्रो, देयर आर सो, तुम अपने गानों के नाम कैसे याद रखते हो? 150 गाने हैं तुम्हारे याद. फिर सोचो लिरिक्स कैसे याद रखते हो ब्रो. लाइक लेजिट, डू यू ब्रिंग पेपर लेके आते हो? हाँ, फोन रखा होता है. मतलब ना ऐसा डिपेंड करता है कि क्या परफॉर्म करना है. हाँ, तो ऐसा मेरे हिसाब से तो जान के वही गाने सेलेक्ट करने चाहिए जो आपको याद हो. से एक बिलबोर्ड है, राइट? इफ ऑल ऑफ यू कैन लाइक से वन मैसेज टू पीपल, एंड यू से लॉट्स ऑफ थिंग्स टू पीपल थ्रू योर म्यूजिक, व्हाट वुड यू से? मतलब किस सेंस में बोलना है? मतलब यार देख, तेरे को एक फ्री में बिलबोर्ड मिला है कि भाई इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो लोग देख सकते हैं. हाँ, आई एम लुकिंग एट यू. Big brother vibes, bro. तो डरा रहा है भाई. I am here. पता नहीं, एक उसमें आएगा नहीं वैसे वो, बट मेरा एक छोटा सा मैसेज है बस. पता नहीं, मतलब मैं बस ये कहना चाहूँगा कि म्यूजिक को ना अच्छे म्यूजिक की तरह ही देखो. मतलब ऐसा एम ही मत, अच्छा काम करो यार. हाँ, मतलब अच्छा काम की बात नहीं, आप सुनते भी हो ना, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो सुनने के लिए भी चीज़ें. राइट. मतलब अगर आप ऐसी ऑडियंस बना लोगे जो कुछ भी सुन रही है, तो ऑडियंस बढ़ती जाएगी तो कुछ भी आता रहेगा. राइट. तो कभी अच्छे म्यूजिक को चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अच्छे म्यूजिक की ऑडियंस इतनी कम है. वो बेचारे कहाँ तक लड़ेंगे आप बताओ ना? वो 10,000 लोग कहाँ लाखों लोगों से लड़ेंगे जाके कि हमारा म्यूजिक सुनो भाई. अच्छा है वो. हाँ. वो लाखों लोग जब सुनेंगे तो उनको प्रॉबेबली वो अच्छा भी लगेगा. बट वो चीज़ अगर मैं पहुँचा पाऊँ एक बिलबोर्ड के थ्रू कि स्टॉप ऑल ऑफ दिस शिट एंड जस्ट लिसन टू गुड म्यूजिक. यू आर नॉट रियल. ओह क्या, यू आर नॉट रियल, यू आर जस्ट अ बंच ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट्स. आई डोंट से डोंट लिसन टू एनीवन. किसी की मत सुनो. डोंट लिसन टू एनीवन. कान में मुंह भर लो. एनीवन, डोंट लिसन टू एनीवन. नो वन, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर फ्रेंड्स, नथिंग. डोंट लिसन टू एनीवन. आई थिंक दैट्स द मोस्ट करेक्ट वे टू फाइंड योर वॉइस. जो लोग अक्सर बात करते हैं ना कि मेरी आर्टिस्टिक वॉइस क्या है, मेरी राइटिंग वॉइस क्या है, इट्स जस्ट दैट. आई मीन, यू, वी आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, लाइक लेट्स नॉट डिनाई दैट. ठीक है, हम सबके इन्फ्लुएंसेस होते हैं. वी ऑल लिसन टू म्यूजिक, ऑल टॉक टू पीपल, एंड दे ऑफन फीचर इन आवर वर्क वन वे और द अदर. Yeah. But to get to that original, he's right. You just really have to like shut it all off. That's what I've done. This podcast, people thought it was a joke. Nirko kaise dost ne bola, tu wo karta hai na? Intellectual se kuch baatein, mic pe kya karega bhai, koi nahi sunta. I mean, logo ko samajh nahi aata ki podcast hota kya. To mujhe bada weird lagta hai un logo ke liye ki bhai, tum dekh bhi rahe ho, tumhe pata bhi hai, fir tum isko ek as an interview bhi le lete ho. Aur tum sochte ho ki भाई ये लड़का बोले क्यों जा रहा है, सामने वालों को बोलने क्यों नहीं दे रहा? अरे भाई, क्योंकि वो इंटरव्यू नहीं है ना. हाँ. वो न्यूज़ चैनल पे नहीं बैठा ना अभी. ही इज टॉकिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग. सो आई थिंक पीपल शुड रिस्पेक्ट दैट एज वेल. इट्स जस्ट गोना टेक अ व्हाइल. आई थिंक पीपल आर मोर यूज्ड टू नीलेश मिश्रा टाइप का कंस्ट्रक्ट, एंड इवन ही डज अ पॉडकास्ट. या वो अपने फार्म में जाकर करता है. बट यू नो व्हाट, इट्स बीन ग्रेट हैविंग यू गाइस ऑन दोस्तकास्ट. इट्स बीन अ व्हाइल, इट्स बीन अ फन टाइम. आई एम रियली ग्लैड दैट वी गॉट टू कवर सो मेनी टॉपिक्स, एंड वेरी एक्साइटेड फॉर हालात and Aryavart and everything else that these things has to offer. You guys have a massive fan base. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने कुछ भी नहीं पूछे क्योंकि मेरे को अपनी बातें करनी थी. बट आप वैसे, हाँ तो फिर वो वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक खत्म करने से पहले. भाई करुण भाई में इतना दर्द कैसे है? तो मतलब ये मेरे लाइफ के वो है ना, मतलब ऐसे मैं सही बताऊँ ना, मतलब मेरी कल लनफक भैया से बात हो रही थी. अनफक मान कर लनफक अनफक भैया. अच्छा, उसका नाम अनफक मान, भैया का नाम है अनफक मान, इट्स हिज स्टेज नेम, मोनिकर जो भी आप कहो. आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड ही आस्क्ड मी कि कैसे, मतलब ऐसा होता है कि मतलब तू ऐसा आशिक टाइप का, ये क्या सीन है, मतलब कि हाउ डू यू हैव दैट. एंड देयर इज अनदर आर्टिस्ट कॉल्ड जादूगर टेप्स, राइट? सो ही इज लाइक ओल्डर टू मी,
जो भी बोलेंगे इंग्लिश जैसी भी बड़े हों मुझसे, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला था कि यू साउंड लाइक यू आर इन योर 40s एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड योर रोमांटिसिज्म इज ऑफ दैट लेवल, कि तुम 40-50 साल के हो, कि तुम किसी के बारे में ऐसे लिख रहे हो, तुम ऐसा सोच रहे हो उसके बारे में. आई वॉज लाइक कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट आई थिंक आई एम टू इमोशनल दैट वे, दैट आई गेट वे टू इमोशनल व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन. आई गेट टू मच अटैच्ड, यू विल से, एंड देन आई स्टॉप गिविंग फक्स अबाउट पीपल, एंड देन समबडी केम इन माई लाइफ एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग फक्स अबाउट हर, एंड देन धीरे 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 म्यूज़िक आया. म्यूज़िक से सब कुछ ख़राब भी हो गया, अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, बट आई गेस जो वो एक्सपीरियंसेस है ना, ऊपर नीचे, जो ऊपर नीचे जो लाइफ है, जैसे आप देखते हो लाइफ लाइन भी चल रही थी, ऊपर नीचे चलती, तो वो जो चीज़ें हैं उसकी वजह से वो दर्द मैं बोलूँगा कि है. राइट. और आई गेस सब में होता है, बट सब अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं उसको. मेरा प्रोजेक्शन ऐसा है कि मैं बहुत दुखी होता हूँ जब लिखता हूँ, तो समझ लो वो दर्द है वो जो मैं लिख रहा होता हूँ. तभी लोग कहते हैं कि इतना सैड गाने की सैड बातें क्यों कर रहा है. तो मेरी एक आंटी हैं, शी लिव्स इन कैनेडा, शी काइंड ऑफ आस्क्ड मी टू मेक समथिंग विच पीपल विल लिसन टू इन द क्लब्स एंड एवरीथिंग, लाइक ऐसा कुछ बनाओ ना, मतलब आई वाज लाइक अब इतने दर्द वाले गाने क्यों बनाता करूँ. तो आई वाज लाइक दिस इज़ हु आई एम, लाइक दिस इज़ व्हाट आई एम, आई कैन नॉट चेंज दैट फॉर यू. राइट. क्योंकि मैं अपने लिए बनाता हूँ. आई एम वेरी सॉरी इफ समबडी थिंक्स कि करूँ तुझे अपने ऑडियंस के बारे में सोचना चाहिए. आई डू थिंक अबाउट इट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई हैव सो मच ऑफ पीपल लिसनिंग टू मी एवरी डे. इट्स लाइक ग्रंथ के बाद से स्पॉटिफाई आर्टिस्ट होता है, उसमें आपको दिखता है कितने लोग आपको सुन रहे हैं. राइट. इट हैज नेवर बीन जीरो आफ्टर दैट. अभी भी मैं चलाऊंगा तो शायद कोई सुन रहा होगा. यू ऑल हैव लाइक मंथली लिसनर्स इन द थाउजेंड्स, आई चेक्ड. मतलब वो चीज़ ऐसे बढ़ रही है धीरे धीरे, पीपल आर स्टार्टिंग टू लिसनिंग टू अस, कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ के लिए. मैं क्या बोलूँ आपको, मेरे गाने दुखी है पर मैं खुश हूँ, क्या वर्ड होता है मेरे दिमाग से, वर्ड नहीं, शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, वर्ड नहीं आ रहा. हाउ आर यू ऑल्सो गुड इन हिंदी, क्या सीन है पता नहीं, क्योंकि हम इंडियन हैं. नहीं ये बात, ये बात मतलब कम होता है. मैंने जब मैंने राधे श्याम भी सुना था तब भी, उसके बाद आई नोटिस लाइक बैंगर पे बैंगर आ रहे हैं. आई थिंक वी हैव लाइक अडेप्टेड हिंदी सो मच. मेरी मम्मी हिंदी में मतलब वो है, मतलब शी इज एन एमए इन हिंदी. मुझे नहीं पता ये कोई रीज़न है कि नहीं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दैट बिकॉज मेरी मम्मी मुझे हिंदी पढ़ाती थी, तो मुझे स्टोरी सुनाती थी और मैं लेट जाता था और मैं सुनता था मम्मी मुझे क्या बता रही हैं, जो चैप्टर में चल रहा है, जो मुझे लिखना है कल जाके. फिर जो संधि विच्छेद है, पर्यायवाची हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो जिससे आप सिनोनिम्स बोल लो उनको आप, फिर बाद में ये जो मुहावरे हैं, ईडियम्स वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें जो आप, ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब हाँ ये छोटी मोटी चीज़ें ना आप यूज़ कर सकते हो, कि बिन दो हाथ जैसे बजती है ताली, ये मैंने अपने गाने में ऐसे यूज़ करा था. डजंट मेक अ सेंस इफ यू लिसन टू इट अदरवाइज, बट इफ यू नो ईडियम्स एंड इफ यू नो मुहावरे, सो यू विल अंडरस्टैंड कि दिस गाय इज ट्राइंग टू से समथिंग लाइक दैट. तो मेरी दादी भी हिंदी की टीचर है और मैंने यही सब उनसे सीखा है. तो ये आपके घर में रहा होगा, तो हाँ. हमारे भी घर में मुझे ऐसा लगता है कि था उर्दू, मेरे नाना जी का उर्दू बैकग्राउंड था प्रॉब्लम, हाँ. इस वजह से मुझे उर्दू के वर्ड्स मेरी मम्मी यूज़ करती हैं नॉर्मली लाइफ में, हाँ. तो शायद वो वर्ड्स होते पंजाबी हैं, वो तो पंजाबी हिंदी उर्दू मिक्स होती, हिंदी होती, तो वो आई गेस तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, तुम क्या लेते हो अपने. बिलाल सईद फैंस वुड रिलेट. अरे भाई बिलाल सईद के गाने की इतनी बुरी हालत करी ना मैंने, इतना अच्छा गाना है और उसका मीम बना के छोड़ दिया. 12 साल हाँ, ओ अधी अधी रात. अच्छा मैंने वो नहीं सुना. जो रो रहा है, जिसमें बंदा एक मीम में रो रहा है बंदा, अच्छा ओ कुत्ता रो रहा होता है जो, हाँ वो गाना इतना अच्छा है. मतलब मैं सुनता था उसको, हमारे ना स्कूल में फेट होता था बाल भारती पीतमपुरा का, तो उसमें ना वैसे गाने वो करा सकते थे, क्या कहते हैं उसको, डेडिकेट, कि एक टोकन दो और गाना किसी के लिए डेडिकेट करा लो, कि ये लड़के ने इस लड़की के लिए गाना चलवाया है. स्कूल वाले ऑर्गेनाइज करा देते थे. हाँ ये फेट होता था, तो उसमें आप चला सकते थे, कार्निवल होता था, तो उसमें ऐसे पैसे ऐसे 10-15 रुपये 20 रुपये दे के ऐसे आप गाने वो करवा सकते थे. तो तब हम वो गाने सुनते थे. एम्पलीफायर मैंने सबसे पहले स्कूल में सुना था. आई वॉज इन सिक्स आई गेस, सेवन आई हर्ड एम्पलीफायर ऑन दो स्पीकर्स इन माई स्कूल. पूरे स्कूल में एम्पलीफायर बज रहा था. कि कौन सा गाना है भाई, ये क्या बज रहा है. हमारे स्कूल के बर्थडे पार्टी में बजता था, सब लोग मतलब गड्डी मोड़ा एम्पलीफायर पे ऐसे करते थे. बेवफा आया था. तो ये सारे जो वो टाइम था बहुत अच्छा था. बिलाल सईद वाज अ जी ब्रो. आई थिंक शुद्ध हिंदी वर्ड्स में एक बहुत अच्छा एस्थेटिक होता है. द वे यू से, हाँ. और जब आप उनको स्वैग में बोलते हो, स्वैगर में, यू नो, तो वो और भी ज्यादा लाइक राइट सोने पे सुहागा. अभी तक लोग उतना सही से नहीं कर पाए, लेकिन अब शायद करेंगे. आई ट्राई टू यूज वर्ड्स इन माय, वो मैंने ऐसे अभी मेरे को भैया ने बोला था ऑब्स्क्योर वर्ड्स में, यू नो, देन लाइक लिसनर वुड बी लाइक, यू नो, कि आज इसका क्या मतलब है. एग्जैक्टली. सो लेट मी सी. कल की बात है ये, कल की बात है. लाइक क्रिप्टिक. राइट. इट इज क्रिप्टिक फॉर मोस्ट पीपल बिकॉज़ दिल्ली के आसपास के लोगों को खाली स्लैंग मालूम है ना, कि ब्रो ऐसा कर लेते हैं, ब्रो ये कर लेते हैं. इट्स आल्सो काइंड ऑफ लाइक कि यू नो कूल कल्चर का, यू नो, डिफाइनिंग व्हाट इज कूल. मैंने एक गाना एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा है. रशियन के साथ मुझे, हाँ,
भाई मतलब फक मतलब मेरे को सुन के ऐसा लगता है कि वो भजन है एकदम और उसका टॉप मतलब थॉट्स भी ऐसे ही हैं उसमें राइट कल ऐसा कुछ हो रहा था कि एक लड़के ने मेरा कुछ इंस्टाग्राम पे शेयर करा, दो लिरिक्स थे खूबसूरत जो भी गाना ग्रंथ में उसका, तो उसमें एक लाइन है मैंने बेपाक लिखा उसमें, नाउ पीपल डोंट नो दैट, ठीक है, हाँ भाई मान लिया बेपाक इज़ नॉट अ वर्ड, पाक इज़ अ वर्ड, पाक मीन्स प्योर, व्हाट डज बेपाक मीन, इम्प्योर, खत्म हो गई ना वहाँ बात। वो लड़का मेरे को कह रहा है बेपाक, मैंने कहा भाई वो कुछ और होता है, ये तो अलग अलग वर्ड है, तू मेरे को कैसे बोल रहा है कि मैंने बेपाक नहीं लिखना चाहा, कह रहा नहीं नहीं मैं तो करेक्ट कर रहा था, तुम क्यों करेक्ट कर रहे हो यार, एंड हाउ डू यू थिंक वर्ड्स वर मेड, कैसे बने थे वर्ड्स, ऐसे ही बने होंगे ना वर्ड्स, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही बने होंगे, राइट राइट राइट। अब तुम कहना चाहते हो मैंने वर्ड बना दी, मैं बहुत खुश हूँ भाई मैंने बना दिया, पर मैंने नहीं बनाया, मुझे पता है क्योंकि बेपाक लोग बोलते होंगे। एक फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड बनता है और उसके ऑपोजिट फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए उस वर्ड के अंदर एडिशन होता है, दिस इज हाउ लैंग्वेज वर्क्स। संधि विच्छेद भी तो यही सिखाया था ना कि कैसे होता है, अगर हम उस प्रीसेट डिस्कशन में दोबारा से जाएं तो वर्ड्स आर आल्सो प्रीसेट्स, राइट दे आर, यू कैन से दैट, हां या या ब्रो, हां जैसे कि सारे वर्ड्स जो इंग्लिश के अंदर होते हैं विद दैट एंड विद टी आई ओ एन, इन स्पेनिश दे आर सी आई ओ एन, इन इटालियन देयर इज जेड आई ओ एन ई, राइट, तो ये बातें हैं, बहुत तेज सुस्त आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है कूल, दिस वाज तीसरी दुनिया ऑन द दोस्तकास्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गाइस, हां ठीक है चलो, इट्स बीन अ फन टाइम, फॉलो उद्भव, करुण, राघव, कंस कंस मामा कंस, राइट कूल मामा, ठीक है, साउंड्स गुड ब्रोस, फाइंड द फंगस एंड ईट द फंगस, सेव योर मामीज, फाइंड द मशरूम, ईट द मशरूम।